अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें हम क्लास को। आवाज आ रही है सबको? अस्सलामुअलैकुम। आवाज आ रही है सबको? स्टार्ट करें हम? मुझे प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दे कोई, ताकि मैं जो है वो फिर क्लास को स्टार्ट कर दूं। चले देखें, आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एंड करेंगे, फिर कैपिटल गेन्स को, इंशाल्लाह फिर इसके बाद बिजनेस को भी स्टार्ट हमने करना है। लेकिन आज की क्लास के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, सैलरी को हमने जो है वो एंटायर टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबका फोकस यहाँ पे रहेगा। देखिए, यहाँ पे भी हम उसी एस्पेक्ट से बात करेंगे कि भाई आपके पास सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं किसी भी इनकम की, ठीक है, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम कब बनेगी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेक्शन 101 जो आपके बेसिक्स के अंदर भी आ रहा था उसको हमने यहीं पर ही कवर कर लिया है। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम एक रेंटल इनकम जो है वो कब बनती है, तो उसने कहा भाई रेंटल इनकम शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ इट इज ड्राइव फ्रॉम लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान वेदर इम्प्रूव्ड और नॉट इम्प्रूव्ड, ठीक है। अगर आप एक प्लेन लैंड दे देते हैं, ठीक है, या आप एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन पाकिस्तान में है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है वो आपके पास पाकिस्तान सोर्स इनकम है, अदरवाइज ये जो इनकम होगी वो कंसिडर की जाएगी कि ये पाकिस्तान सोर्स इनकम रेंटल इनकम नहीं है, ठीक है। यानी पहला जो पॉइंट ट्रिगर हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमने कहा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी कहाँ हो, पाकिस्तान में हो, और फ्रॉम एनी अदर इंटरेस्ट इन और ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अ राइट टू एक्सप्लोर फॉर और एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। अगेन हमने कहा कि भाई इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो किसी और चीज के अंदर, ठीक है, कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि भाई अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट आपके पास है, ठीक है, और उसकी लोकेशन क्या है, अगेन हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको राइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो हमने कहा फिर एज अ रिजल्ट ये आपकी इनकम भी क्या कहलाएगी, ठीक है, आपकी जो है वो रेंटल इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, और मैंने क्यों लिए, ताकि मैं वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर सकूँ। अच्छा क्यों, किस पे ली थी, रेंटल पे ली थी। तो हमने कहा भाई ये इनकम भी क्या होगी, ये भी आपकी जो है वो पाकिस्तान सोर्स रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी। यानी जो पॉइंट है हमने कहा वो अल्टीमेटली क्या है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी का होनी चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी रेंटल इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम कब नहीं होगी, फॉरेन सोर्स इनकम कब होगी? हमने कहा जहां आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान लोकेट हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपकी रेंटल इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है बल्कि FSI है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, एक दफा मैं कंप्लीटली इसे रीड भी करता हूँ। रेंटल इनकम शैल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ इट इज ड्राइव फ्रॉम द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान वेदर इंप्रूव्ड और नॉट और फ्रॉम एनी अदर इंटरेस्ट इन और ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग अ राइट टू एक्सप्लोर फॉर एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। फिर इसके बाद उसने कहा कि भाई जब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस के अंदर आपके पास कुछ इंक्लूजन हैं और कुछ एक्सक्लूजन हैं। ठीक है, अच्छा भाई इंक्लूजन के अंदर क्या क्या इंक्लूजन है, किस तरह की इनकम जो है वो आपकी रेंटल इनकम के अंदर फॉल करती है? उसने कहा एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन और द राइट टू यूज और ऑक्यूपाई द लैंड और बिल्डिंग। सुनेंगे सर, हमने कहा यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक है ओनर, ठीक है, और दूसरा कौन है? हमने कहा टेनेंट। अच्छा ये ओनर ओनर है किस चीज का? हमने कहा लैंड या बिल्डिंग का। ओनर ने क्या किया हुआ है? अपनी लैंड और बिल्डिंग दी हुई है टेनेंट को। किस चीज के लिए दी है? उसने कहा यूज के लिए दी है, ऑक्यूपाई के लिए दी है, या फिर राइट दिया हुआ है इसने यूज और ऑक्यूपाई का। एज ए रिजल्ट हमने कहा ये क्या देगा? ये इसे जो है वो अमाउंट देगा, कंसिडरेशन देगा। ठीक है, उसने कहा ये अमाउंट मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा? इसको मैं कहूंगा कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम है। ठीक है, या मैं इसे इन अदर वर्ड्स ये कहूंगा कि ये क्या है? ग्रॉस रेंट है। ठीक है, या चार्जेबल रेंट है। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग फॉर यूज ऑक्यूपाई और राइट टू। अब यूज का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई यूज का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी कस्टडी के अंदर है, आप उसे ऑफिस बना के बैठे हैं, आपने रेसिडेंस बनाया हुआ है आपने, ठीक है, या ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑक्यूपाई का मतलब क्या है कि भाई वेयर हाउस क्रिएट किया हुआ है आपने, वेयर हाउस बनाया हुआ वहाँ पे, ठीक है, आप फिजिकली वहाँ पे नहीं होते लेकिन आपने जो है गुड्स रखे हुए हैं वहाँ पे, या आपने रहते नहीं है वहाँ पे, यूज नहीं कर रहे, ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ लेकिन आपने अपना राइट एस्टेब्लिश किया हुआ है। राइट का मतलब क्या है कि भाई मैंने, आप एक ओनर है, ठीक है, मैंने आपसे कहा मुझे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन आज नहीं चाहिए, आज से 5 महीने बाद चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपसे लूंगा 5 मंथ्स के बाद, तो क्या आप मुझे इस तरह से देंगे? आप कहेंगे नहीं, अगर बीच में कोई और टेनेंट आ गया तो मैं उसको दे दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी मैं ही आपसे लूं, तो मैं अपना राइट एस्टेब्लिश कैसे करवाऊं? आज अग्रीमेंट कर लूं, ठीक है, अग्रीमेंट के अंदर क्या कहूं? अग्रीमेंट के अंदर ये बात कह दूं कि भाई ठीक है मैं, मेरी ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ये प्रॉपर्टी मैं आपसे लूंगा 5 महीने बाद, ठीक है, लेकिन मैंने अपना राइट दे दिया तो मैं आपको मंथली बेसिस पे रेंटल इनकम तो फिर भी देता रहूंगा। अब मैं आज से यूज करना स्टार्ट करूं या 5 मंथ्स के बाद स्टार्ट करूं ये मेरा डिस्क्रिशन है, ठीक है, लेकिन मुझे रेंट तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट भी एस्टेब्लिश करते हैं तो भी आपको रेंट देना पड़ता है। अब लॉ कहता है कि भाई दिस रेंट कैन बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेज एंड मंथ्स। ठीक है, अगेन उसने कहा कि भाई जो भी अमाउंट आप कंसिडरेशन रिसीव करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 1.2 मिलियन रिसीव किया, ठीक है, अच्छा ये कितने टाइम का था? हमने कहा भाई ये 12 मंथ्स का है, यानी पर मंथ कितना हो गया? हमने कहा रुपीज 100,000 पर मंथ हो गया। अच्छा भाई अगर मैंने 12 मंथ्स यूज नहीं किया, मैंने जो है वो लेट से 11.5 मंथ्स यूज किया, तब भी मुझे क्या 12 महीनों का रेंट देना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, फिर ये अपोर्शन हो जाएगा, रुपीज 100,000 पर मंथ इंटू 11.5 हो जाएगा, या पर डे बेसिस पे भी हो सकता है, जितना यूज करोगे उतना रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। अच्छा फिर हमने कहा, फिर इसके बाद वो कहता है कि भाई कोई भी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, क्या मतलब इसका? हमने कहा भाई फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लेट से कि भाई आपने कहा कि भाई आप एक ओनर हैं, ठीक है, अब ये दूसरी ट्रांजैक्शन, उसने कहा ये ओनर है, ये बायर है, ठीक है, या आप इसे सेलर भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, सेलर भी है, तो ये बायर है। ठीक है, बायर ने क्या कहा कि भाई मैं आपकी लैंड और बिल्डिंग क्या करना चाहता हूँ? मैं आपकी लैंड और बिल्डिंग जो है वो ये सेल करेगा, तो ये बाय करना चाहता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसने क्या किया? उसने कहा मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा, लेकिन कंसिडरेशन पूरी तो बाद में दी जाएगी। उसने कहा पार्ट ऑफ इट मैं आपको आज दे देता हूँ। लेट से हमने कहा भाई 100 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, उसने 10 मिलियन जो है वो इन एडवांस दे दिया, टोकन मनी जिसे आप कहते हैं। अब थोड़े अरसे बाद बायर आया सेलर के पास, वो कहते हैं भाई मुझे आपकी प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप मेरे 10 मिलियन वापस करें, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी आप ही रखें, मुझे नहीं चाहिए। क्या बायर सेलर जो है इस बात पे अग्री करेगा कि भाई आपने जो है वो 10 मिलियन आप वापस मांग रहे हैं? हमने कहा टोकन तो होता ही है कि अगर आप बैकआउट करेंगे
तो फिर क्या होगा, बैकआउट करने के केस के अंदर बायर को उसका अपना अमाउंट नहीं मिलता। और अगर सेलर बैकआउट करता है तो क्या हुआ, हमने कहा जब सेलर बैकआउट करता है तो वो डबल करके अमाउंट देता है, ठीक है। ये जनरल मार्केट रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के ऊपर। लेकिन हमने कहा कि भाई अगर बायर जो है इस केस में फॉरफीट करता है तो ये इनकम किसकी बन जाएगी, हमने कहा ये इनकम बन जाएगी सेलर की, ठीक है, फॉरफीटेड डिपॉजिट कहलाएगी। तो उसने कहा एज अ रिजल्ट अगर आप फॉरफीट कर देते हैं, अगर आप गिव अप कर देते हैं, अगर आप ये कह देते हैं कि भाई आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस ट्रांजेक्शन एनी मोर, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर ये अमाउंट सेलर के लिए क्या बन जाएगी, ये अमाउंट सेलर के लिए बन जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कब, कि जब आपने गिव अप कर दिया, आपने कहा भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहता, मैं फॉरफीट करता हूँ, मुझे मेरा अमाउंट वापस दो। वो तो कह रहे मैं अमाउंट नहीं दूंगा, तो आपने कहा कि ठीक है अगर अमाउंट नहीं दोगे तो अमाउंट रख लो, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहता, तो फिर ये अमाउंट आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। एनीवेज, इसके बाद थर्ड केस आपके पास क्या है, नॉन एडजस्टेबल साथ में रिफंडेबल डिपॉजिट इन रिलेशन टू बिल्डिंग रिसीव बाय एन ओनर ऑफ अ बिल्डिंग। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जब भी आप रेंटल अग्रीमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कुछ अमाउंट जो है वो इन एडवांस ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई इस केस के अंदर आपका रेंट कितना था, 100,000 पर मंथ था, ठीक है। मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट इन एडवांस कितना ले लिया, अज्यूम कर रहे हैं हम सिर्फ, हमने कहा भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने इन एडवांस कितना ले लिया, लेट से आपने 600,000 आपने इन एडवांस ले लिया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि भाई ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का फीचर क्या होता है, जितने साल का अग्रीमेंट है उतने साल तक ये ओनर के पास रहेगा, और फिर ओनर जब अग्रीमेंट एंड हो रहा होगा तो मतलब बायर को जो है वो टेनेंट को जो है वो वापस कर देगा, यही होता है ना भाई। फॉर एग्जाम्पल फिर समझते हैं, हमने कहा भाई आप ओनर हैं मैं टेनेंट हूँ, ठीक है। आपने कहा भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, क्यों, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है कि प्रॉपर्टी को डैमेज कर दी, फिर मैंने कहा ठीक है। आपने कहा कितना आप मतलब इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, कितना देते हैं, 600,000 आपने लिया, अच्छा भाई 600,000 का आप क्या करेंगे, उसने कहा भाई मैं कुछ भी करूँ लेकिन जब अग्रीमेंट एंड होगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एडवांस रेंट नहीं है। एडवांस रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, एडवांस रेंट का फीचर क्या होता है सुनेंगे। हमने कहा भाई एडवांस रेंट का फीचर ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एडवांस रेंट दिया मैंने, कितना दिया, मैंने कहा भाई 4,00,000, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जब से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ नेक्स्ट 4 मंथ्स तक मैं आपको नो रेंट टू बी पेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका फीचर क्या है कि ये एडजस्टेबल है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट की, तो उसने कहा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एडवांस रेंट नहीं है, ये नॉन एडजस्टेबल है लेकिन रिफंडेबल है। जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो ये अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप इस अमाउंट के बारे में जो है वो एडजस्टमेंट की बात ना करें, ठीक है, सुध जाएंगे। फिर वो कहता है कि भाई इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, इसको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे। तो उसने कहा भाई टैक्सेबिलिटी इस तरह से होगी कि जिस ईयर में रिसीव होगा चार्जेबल इन द टैक्स ईयर इन विच इट वॉज रिसीव एंड द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये बड़ी की चीजें हैं, अगर ये खुद समझ आ गए तो शायद आप खुद से भी समझ लेंगे इसे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ईयर जिस साल में रिसीव हो उस साल के अंदर और उसके 9 फॉलोइंग टैक्स ईयर, यानी ओवर द पीरियड ऑफ 10 टैक्स ईयर आपने इसे क्या करना है, इसे चार्ज टू टैक्स करवाना है। यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट एक साथ पूरा अमाउंट चार्ज टू टैक्स नहीं होता, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स होता है। तो सर अब अगर आपने ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एक ऐसा अमाउंट है जो वापस भी होना है, ये रिफंडेबल भी है, नॉन एडजस्टेबल भी है, तो भाई फिर तो ये इनकम नहीं हुआ, ये तो लाइबिलिटी हुआ, फिर क्यों टैक्स करवा रहे हैं आप इसे, ठीक है, तो लाइबिलिटी है ना, फिर टैक्स क्यों हो रहा है। तो उसने कहा नहीं, ये समझें कि ये अमाउंट अगर आपके पास रहेगा तो इस अमाउंट का आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो होती है, अगर आप बैंक लबीब से, HBL से या UBL से किसी से भी अगर आप अमाउंट लेंगे तो क्या वो आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, हमने कहा बिल्कुल करते हैं। तो ये इंटरेस्ट होता क्या है, हमने कहा ये इंटरेस्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो अब लॉ यहाँ पे कह रहा है कि इसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई आप, मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे टैक्स नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे ड्राइव होने वाली इनकम पे टैक्स चार्ज करूंगा। अच्छा भाई आप कहेंगे भाई इनकम नहीं लॉस हुआ, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई देखें आपका जो है वो, मैं एक जनरल बात करूंगा,
उसने कहा कि ये नहीं हो सकता पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कि मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि आपने कितनी इनकम ड्राइव की, ठीक है। तो इसलिए उसने मैकेनिज्म खुद बता दिया। उसने कहा सिक्योरिटी डिपॉजिट टैक्स कैसे होगा जिस साल में रिसीव हुआ, यानी सुनेंगे, हमने कहा भाई फॉर एग्जांपल 2011 के अंदर मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव होता है, ठीक है, मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, ठीक है, किसके अगेंस्ट रिसीव होता है, ये सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो हमने कहा कितना रिसीव हुआ, सुनेंगे 100,000। अच्छा भाई जिस साल रिसीव हुआ इसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपने क्या करना है, चार्ज टू टैक्स, यानी 10,000, फिर 2012 में कितना टैक्स होगा, हमने कहा 10,000, ठीक है, ऐसे ही ना, ठीक है, कितने टाइम तक टैक्स होता रहेगा, हमने कहा ये टैक्स होगा 2020 तक, ठीक है। तो जब 2020 तक पहुंचेंगे तो पूरा का पूरा 1,00,000 जो है वो चार्ज टू टैक्स हो गया होगा। लेकिन हमने 1,00,000 को टैक्स नहीं किया, हमने 1,00,000 को आने वाली, देखें सुने, हमने कहा भाई मैं 100,000 को डिवाइडेड बाय 10 करूं, और या मैं ये लिख दूं 100,000 इंटू 10%, क्या कोई दोनों में फर्क है, हमने कहा नहीं, ऐसे ही है ना भाई, 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है, 10% ही तो होता है, ठीक है। तो लॉ कह रहा है कि देखो मैंने 10% नहीं लिखा है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैंने आपके इस अमाउंट के ऊपर कितना रिटर्न अज्यूम किया हुआ है, 10%। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई 10% तो कम से कम आप रिटर्न ड्राइव करोगे ही, ठीक है, लेकिन मैं 10% नहीं लिख रहा, मैं इसको शो कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको शो ऐसे करवा रहा हूँ 1 डिवाइड बाय 10, यानी 100,000 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जिस साल आप रिसीव करें उसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स करवाएं। अब आप में से कोई कहे कि सर आप ये 10% क्यों ले रहे हैं, ठीक है, या ये 10 साल क्यों ले रहे हैं, मैं साल चेंज कर देता हूँ, मैं इसे अगर 1 डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ तो ये रेट कितना हो गया, 20 हो गया, मैं इसे अगर 1 डिवाइडेड बाय 1 कर दूँ तो ये रेट कितना हो गया, 100% हो गया। तो उसने कहा भाई मैं यही तो नहीं करना चाह रहा, मैं वेरिएशन ही तो नहीं देना चाह रहा, मैं एक रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो कितना है स्टैंडर्ड। अब किसी का अगर लॉस हो तो भी उसने ये ट्रीटमेंट करना है, किसी का 100% रिटर्न आए तो तब भी उसने ये ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है जिस साल आप सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करें उसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स करवाना है। लेकिन लिखना 10% नहीं है, लिखना कैसे, इसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को डिवाइड बाय 10, ठीक है, इसका मतलब पहली बात ये हो गई। अच्छा भाई क्या जरूरी है कि मेरा अग्रीमेंट, हर अग्रीमेंट 10 साल का ही हो, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट कैसे होगा, 1 डिवाइड बाय 10 से ही होगा। भाई फॉर एग्जांपल सुनेंगे, मेरा एक्चुअल इयर्स है 5 इयर्स, तो क्या मैं इसे 1 डिवाइड बाय 5 करूं, अगर मैं 1 डिवाइड बाय 5 करता हूं इसका मतलब क्या, मैं 20% अज्यूम कर रहा हूं। उसने कहा नहीं, अगर एक्चुअल ईयर 5 इयर्स हूं तब भी आप नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट के लिए क्या ट्रीटमेंट करोगे, 10 इयर्स ही लोगे, यानी क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 10। अच्छा फिर क्या होगा, हमने कहा भाई 5 साल तक टैक्स होगा, कैसे टैक्स होगा, उसने कहा ऐसे ही कि भाई 100,000 डिवाइड बाय 5 = 10,000, ऐसे चलता रहेगा कितने साल तक, 5 साल तक, ठीक है, यानी टोटल कितना टैक्स हो जाएगा, 50,000 टैक्स हो जाएगा। 5 साल के बाद क्या होगा, उसने कहा कि भाई जब 5 साल के बाद ये अग्रीमेंट टर्मिनेट होगा, क्यों, क्योंकि था ही 5 साल का, तो उसने कहा उस ईयर में क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, और जिस ईयर में रिफंड हो उस ईयर में कोई भी अमाउंट चार्ज टू टैक्स नहीं होता, ठीक है। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरे 10 साल चलता है, फिर सुनेंगे एक दफा मैं, क्योंकि इस पे रुक के थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर समझें। हमने कहा भाई पहला रूल क्या है कि जिस साल अमाउंट रिसीव हो इसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स चार्ज टू टैक्स करें, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि जिस साल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो उस साल कोई भी अमाउंट चार्ज टू टैक्स नहीं होगा। अब दो बातें हैं, ठीक है, हो सकता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पूरे 10 साल चला, हो सकता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 साल नहीं चला, क्यों, क्योंकि भाई एक्चुअल नंबर ऑफ इयर्स ही 5 इयर्स थे, ठीक है, मैंने 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि आपके लॉ ने कहा था 10 साल पे करो, तो मैंने इसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स किया, कितने टाइम तक ये ट्रीटमेंट करता रहा, 5 साल तक मैं ये ट्रीटमेंट करता रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, देखें, लेकिन करेंगे क्या, हम इसे फिर डिवाइड बाई 10 करेंगे ना, लेकिन ये डिवाइड बाई 10 कितने टाइम तक करते रहेंगे, 5 इयर्स तक, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपने एक्चुअल ईयर्स कंसिडर कर लिए, इसका मतलब क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं 1 डिवाइड बाय 5 करें, 1 डिवाइड बाय 5 का मतलब क्या है कि आपने रिटर्न कितना अज्यूम किया, 20%। लॉ कह रहे हैं मैं नहीं करना चाह रहा यही काम, आपका एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर 1 है, अब आप कहें 1 डिवाइड बाय 1 करें, इसका मतलब क्या है, आप 100% रिटर्न अज्यूम करें, जबकि वो कह रहे हैं आप 10% अज्यूम करें, ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल ईयर्स का यहां से कोई लिंक नहीं है। एक्चुअल ईयर 100 साल हो तो भी आपने 1 डिवाइड बाय 10 करना है, और एक्चुअल ईयर 1 साल हो तब भी आपने 1 डिवाइडेड बाय 10 ही करना है, ठीक है। अच्छा भाई फर्क क्या आएगा, अगर 100 साल का अग्रीमेंट है
तो 10 साल तक टैक्स होगा, 10 साल के बाद कुछ भी नहीं होगा। और अगर 1 साल का अग्रीमेंट है तो 1 साल तक टैक्स होगा, 1 साल के बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होगा कैसे? वो होगा ऐसे ही 1/10 से, ठीक है। अब अगर हमने कहा कि भाई आपका एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, सुनेंगे ये थर्ड रूल, कॉन्ट्रैक्ट ए जो था वो उसने क्या किया, 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि भाई फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के बाद ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ। अब आपका नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट बी। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना अमाउंट आता है आपको, 2 लाख। तो अब मैं क्या करूं? उसने कहा कुछ नहीं, अगर आपका पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट 10 साल चल चुका है तो अब आप क्या करें, फिर से 10 साल से डिवाइड कर दें। से कितने टाइम तक करते रहे? हमने कहा 10 साल तक करते रहे, ठीक है। यानी आप 2021 में ये शुरू किया तो 2030 तक ये काम करते रहे आप, ठीक है। तो टोटल कितना अमाउंट टैक्स हो जाएगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है कि मैंने जो है वो 10 ईयर्स का साइकिल कंप्लीट हुआ। ये भी तो हो सकता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट चला ही कितना हो। कॉन्ट्रैक्ट ए मेरा चला है, फॉर एग्जाम्पल सुनते जाएंगे सब, हमने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट चला है 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद क्या हुआ है, टर्मिनेट हो गया है। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट बी हुआ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बी से कितना अमाउंट आया, 2 लाख। तो उसने कहा अब 2 लाख को डिवाइड बाय 10 ना करें अब, बल्कि आप क्या कर दें, आप इसमें से वो अमाउंट माइनस कर दें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ए में ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स करवाया था। अच्छा भाई, वो कितना करवाया था? मैंने कहा हर साल कितना करवाया, 10,000, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यानी टोटल कितना करवा लिए, 50,000। तो उसने कहा इसमें से 50 माइनस करो, ठीक है, और डिवाइड बाय 10 कर दो, यानी कितना हो गया। मैंने कहा भाई हर साल कितना अमाउंट चार्ज टू टैक्स होगा, अब हर साल कितना होगा, 15,000 होगा। यानी इन टोटल अगर मैं अमाउंट देखूं तो कितना हो गया, 1.5 लाख ये हो गया, ठीक है, और प्लस तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 लाख और 2 लाख आपके पास, इस तरह से ये वर्किंग आपने कर ली। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 20,000 ही लेते, ये ट्रीटमेंट ना करते जो आपने किया, ये ट्रीटमेंट ना करते जो आपने किया, तो इससे इम्पैक्ट क्या आया, इससे इम्पैक्ट ये आता कि फिर ये 1.5 लाख नहीं होता, ये 2 लाख होता, और फिर इसमें आप 50,000 और ऐड करते तो ये कितना हो जाता, ये 2.5 लाख हो जाता। तो नुकसान किसका होता, हमने कहा टैक्स पेयर का होता। तो इस लॉस को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया कि अगर आपका 10 ईयर्स का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो गया है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट को भी ऐसे ही डिवाइड करोगे जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को किया था। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर क्या करोगे, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, जो प्रीसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, उसका वो अमाउंट जो ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स हो गया उसे माइनस करोगे, रिमेनिंग अमाउंट को आप जो है वो 10 से डिवाइड कर दोगे, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल, ये तो 3 रूल हो गए ना, मैं एक दफा फिर तीनों रूल को रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा भाई नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट का फीचर क्या है कि जिस साल ये अमाउंट रिसीव हो इसे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स करें, जिस साल ये अमाउंट रिफंड हो उस साल कोई भी अमाउंट चार्ज टू टैक्स नहीं होता। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 ईयर्स का साइकिल कंप्लीट कर चुका पहला वाला, फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो नए कॉन्ट्रैक्ट को भी आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स करेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का साइकिल 10 ईयर्स तक कंप्लीट नहीं हुआ, 10 ईयर्स से पहले टर्मिनेट हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो प्रीसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चार्ज टू टैक्स हुआ था, और डिफरेंशियल को ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स चार्ज टू टैक्स करवाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे ये अमाउंट, सुनेंगे, मुझे ये अमाउंट मिलता है, लेट से मुझे 100,000 का अमाउंट मिला 1 December 2020 को, मेरा टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर 2021, कब से कब तक चलेगा, 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक। अब मैं ये सिक्योरिटी एंड नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट को क्या करूं, मैंने कहा भाई टैक्स ईयर 2021 है, तो आप कर दें 100,000 / 10, यानी कितना आ गया, 10,000। लेकिन क्योंकि ये मुझे आया कब है, 1 December को आया है, तो मैं क्या कर दूं, मैं इसे जो है वो 6/7/12 कर दूं, क्या ऐसा करूं। उसने कहा नहीं भाई, ये करने की जरूरत नहीं, फुल ईयर बेसिस पे होगा, जिस साल आएगा पूरा का पूरा टैक्स होगा, जिस साल जाएगा कुछ भी अमाउंट टैक्स नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि सब मेरे साथ हैं, साथ हैं यहां तक, मैं आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है सबको, सब साथ हैं यहां तक, आगे बढ़ जाएं।
चले जी, तो यहां तक जो है वो हमने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फिर लास्ट में ये क्या कहता है, मैंने लिख भी दिया है, नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट अमाउंट विल बी टेकन ऑन फुल ईयर बेसिस एंड वुड नॉट बी अपोर्शन ऑन द डेज और मंथ बेसिस। ठीक है, जैसे आपने ऊपर रेंट के लिए किया था कि आपने उसे मंथ्स और डेज में अपोर्शन किया था, वैसे यहाँ नहीं होगा। पॉइंट्स टू बी नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ड्राइव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 200,000 रुपीज इन अ टैक्स ईयर एंड डज नॉट ड्राइव taxable income under any other acts, then such amount shall not be classified under income from property, rather income from other sources. एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही बच्चों वाली बात यहाँ पे कर रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई अगर आपकी सुनेंगे, अगर आप एक इंडिविजुअल या एओपी हैं, पहली बात, ठीक है, और आप क्या ड्राइव कर रहे हैं, आप जो है वो रेंटल इनकम ड्राइव करते हैं। ठीक है, और कितनी रेंटल इनकम ड्राइव कर रहे हैं, उसने कहा नॉट मोर देन रुपीज 200,000 पर एनम। ठीक है, तो अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए तो अब जो आपकी इनकम होगी, उसने कहा इनकम को आप क्या कंसिडर करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि उसने कहा आपकी एक तो इंडिविजुअल, देखिए तो लॉ बताएगा ना कि कौन सी इनकम कहाँ क्लासीफाई होगी। उसने कहा अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या एओपी है जिसकी रेंटल इनकम 2,00,000 से एक्सीड नहीं करती, तो फिर आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ना कहो, बल्कि उस इनकम को क्या कह दो, आप उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे दो। क्लासिफिकेशन को चेंज करवा दिया उसने, कहा अगर 2,00,000 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, तो फिर मैं इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके आ जाऊंगा। अच्छा भाई, इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर आपकी, क्योंकि देखें अगर इस तरह के लोग होते हैं जिनकी रेंटल इनकम कम होती है तो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है, तो वो क्या करेगा, उनको वहां पे मिला के मिक्स करके टैक्स करवा देगा। ठीक है, क्यों, सुनते हैं। एक बात अभी बहुत प्री मेच्योर है लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट्स अलग हैं, और वो रेट लगते कब है कि जब आपकी इनकम 2,00,000 से ऊपर जाए। अब वो कह रहे हैं आपकी इनकम तो 2,00,000 से कम है, अगर 2,00,000 से कम है तो टैक्स हुए बगैर रह जाएगी, तो अब हम क्या करें, हम इसे लेके चले जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि दूसरी जो इनकम होगी वो दोनों, ये इनकम और वो इनकम मिला के क्या होगा, वो जनरल रेट्स के जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर जाएगी और फिर टैक्स हो जाएगी। ठीक है, वरना अगर हम इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रखवाएं तो फिर वहां भी वो अमाउंट टैक्स नहीं होगी, यहाँ ये अमाउंट भी टैक्स नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर हूँ, एक दफा फिर सुन लें। हमने कहा भाई होता क्या है, जैसे भाई फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी इनकम क्या होती है कि भाई वो रेंट रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, छोटा सा एक घर है, वो दिया हुआ रेंट पे थोड़ा बहुत अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट ऑन डेट आ रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है वो आप बहबूद सर्टिफिकेट से आपका इंटरेस्ट आ रहा है भाई फॉर एग्जाम्पल। अब हमने कहा कि भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रेट्स क्या है, 4,00,000 से ऊपर जाए तो टैक्स होता है। अच्छा भाई, वहाँ उस बंदे की इनकम है 2,50,000, तो इसका मतलब 4,00,000 से ऊपर नहीं गई तो टैक्स नहीं हो सकता। अच्छा भाई, यहाँ टैक्स हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ इसकी इनकम कितनी है, लेट्स से हमने कहा 190। ठीक है, तो अब अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो क्या रेट्स लग जाएंगे, जनरल रेट्स, हमने कहा बिल्कुल लग जाएंगे। तो इसीलिए उसने कहा कि भाई यहाँ से हटा दो, उसे वहाँ लेके चले जाओ, वरना ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई अमाउंट टैक्स होगा, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई अमाउंट टैक्स होगा। आई होप कि मेरे साथ हैं सब यहाँ पर। चले भाई, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सुनते जाएंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि रिजल्ट का आपने जो है वेट नहीं करना। ठीक है, आप साथ साथ पढ़ते रहें, ऐसा ना हो कि आप रिजल्ट के उसी के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम, मेरा ख्याल है कि हम रिजल्ट तक अच्छा खासा जो चीज़ें वो कवर कर चुके होंगे। ठीक है, सब मेरे साथ चलेंगे। अच्छा भाई, रेंट एट फेयर मार्केट वैल्यू, अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले देख, अच्छा मैं इसकी लॉ की वर्डिंग पढ़ूंगा, फिर मैं इलस्ट्रेशंस को आपको एक्सप्लेन करूंगा। सुनते जाएंगे। वेयर द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय पर्सन इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग ड्राइव द फेयर मार्केट रेंट फॉर द प्रॉपर्टी इज लेट ऑन रेंट इन द टैक्स ईयर। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। Where the rent received, अच्छा ये section है भाई, section है ये, where the rent received or receivable by a person is less than, यानी जो आपने rent received किया is less than fair market rent for the property, the person shall be treated as, ठीक है, treated as having derived the fair market rent for the property, sorry for the period the property is let on the rent in the tax year, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने for example एक property है जिसके rent 1,00,000 बनता है और मैंने आपको दिया हुआ 50,000 में, तो
तो 50,000 कंसिडर नहीं होगा, बल्कि क्या कंसिडर होगा, जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू रेंट है वो कितना है, वो 100,000 है. इन एक्चुअल मैंने भले 50,000 का दिया, लेकिन टैक्स पर्पजेस के लिए आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर कंसिडर द एक्चुअल अमाउंट, रादर मैं जो है वो फेयर मार्केट रेंट को कंसिडर करूंगा. यानी क्या हो गया, सुनेंगे, एक्चुअल अमाउंट इसका मतलब क्या हो गया, और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज हायर. ठीक है. अच्छा, फिर उसने कहा एक्सेप्ट वेयर द फेयर मार्केट रेंट इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ लेसी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट सेली. यानी उसने कहा कि भाई ये वाला रूल नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाई. कब, कि जब जो है वो लेसी की सैलरी में, मैं अब्बासी साहब मैं बताता हूँ, जब लेसी की सैलरी के अंदर जो है वो क्या हो गया हो, आपने फेयर मार्केट वैल्यू रेंट इंक्लूड करवा दिया हो. ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स हो गया हो. सुनेंगे, अब क्योंकि आप सैलरी पढ़ चुके हैं, अच्छा ये तो बड़ी आसान सी बात है. देखें, अब्बासी साहब ने कहा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू रेंट कैसे डिटरमिन करते हैं, बहुत मतलब तो देखें फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है. ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जो मार्केट में इजीली फेच की जा सके. भाई फॉर एग्जांपल, तीन घर हैं एक ही फ्लोर के ऊपर, तीन अपार्टमेंट्स हैं. अच्छा भाई, एक घर है जिसका रेंट है 100,000 और एक घर है जिसका रेंट है 110,000 पर मंथ, और एक घर है जो कह रहा है कि मैं 250,000 पर मंथ का दूंगा. ठीक है, तो हमने कहा अगर सारे अगर फीचर्स अगर मैं उसको कांस्टेंट रख दूं, तो फिर जो 250,000 है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है. क्यों? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो अमाउंट जो मार्केट में जनरली फेच की जा सके. ठीक है, तो रेंट को डिटरमिन करना तो इतना मुश्किल काम है ही नहीं. घर तो रेंट पे मिलते हैं ना, एसी रेंट पे नहीं मिलता था जो हमने सैलरी में पढ़ा था, घर तो रेंट पे मिलते हैं. ठीक है, आप ये वाला घर नहीं, बराबर वाले घर का पूछ लें. ठीक है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यूएट करना तो बहुत आसान से काम है, ये तो कोई भी बता देगा. ठीक है, वैल्यूअर भी बता सकता है. एनीवेज, क्लियर है अब्बासी साहब? चले, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है सुनेंगे, फिर सुनते जाएं. हमने कहा भाई, उसने कहा रेंट एट फेयर मार्केट वैल्यू, फिर सुने उसने कहा भाई क्या किस तरह से टैक्स होगा, टैक्स इस तरह से होगा, हायर ऑफ एक्चुअल ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, यानी जो भी कंसिडरेशन रिसीव करते हो या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर की बेसिस पे आप उसे क्या करोगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स कराओगे. ठीक है, लेकिन उसने कहा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा मैं. कब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, जब लेसी की सैलरी में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट टैक्स हो गया. अच्छा भाई, ये क्या कहना चाहता है, ये समझ ही नहीं आया, ये लाइन तो समझ ही नहीं आई ना नॉट अप्लाई के बाद से. तो अब थोड़ा सा इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम. फॉलोइंग थ्री केसेस हैव बीन फॉर्मड बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज अकोमोडेशन. ठीक है, केस वन क्या है, उसने कहा कि भाई वेयर एन एम्प्लॉयर ओन्स एनी लैंड और बिल्डिंग व्हिच इज गिवन टू द एम्प्लॉय एज अकोमोडेशन, देन द ट्रीटमेंट शैल बी एज फॉलोज. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ भाई इसका, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो कह रहा है कि भाई लैंड और बिल्डिंग का जो ओनर है वो कौन है, वो है एम्प्लॉयर. ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी लैंड और बिल्डिंग किसे दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है. अच्छा क्यों दे रहा है, हमने कहा एज अकोमोडेशन दे रहा है. तो अकोमोडेशन मिलने पे एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्स कैसे होता है, हमने कहा भाई एम्प्लॉय की सैलरी में कैसे टैक्स होगा, 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी, फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बेसिक सैलरी है लेट से 50 और फेयर मार्केट वैल्यू है 100, तो मेरी क्या हो गया, यहाँ 100 मेरी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, या फिर सुनेंगे, या अगर वाइस वर्सा है, ये 100 है और ये 50 है, तो ये मेरी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा. यानी जो दोनों में से जो भी हायर हो वो मेरी सैलरी में इंक्लूड हो जाता है. सुनेंगे, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ. आपने कहा पहला केस क्या है, जहाँ बेसिक सैलरी मेरी 50 और फेयर मार्केट वैल्यू है 100, तो मैंने कहा विच एवर इज हायर की बेसिस पे मेरी सैलरी में इंक्लूड हो गया. दूसरा केस क्या है, मेरी बेसिक सैलरी है 100 और फेयर मार्केट वैल्यू है 50, तो मैंने कहा विच एवर इज हायर की बेसिस पे बेसिक सैलरी जो है वो मेरी सैलरी में इंक्लूड हो गया. अच्छा भाई, जब मैं दूसरे केस की बात करता हूँ, तो इस केस में मैं क्या ये कह सकता हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू इंक्लूड हो गया है? बिल्कुल कह सकता हूँ. क्यों? क्योंकि जब मैं 100 इंक्लूड कर रहा हूं तो 50 तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया ना भाई, 50 इंक्लूड हो गया ना. इसका मतलब जब आप
पहले केस में क्या था, 100 पूरा फेयर मार्केट वैल्यू था, तो पूरा का पूरा आपने हायर ऑफ की बेसिस पे सैलरी में इंक्लूड कर लिया। दूसरे केस में क्या है, आपने कहा नहीं फेयर मार्केट वैल्यू कम है, बेसिक सैलरी ज्यादा है, तो जब आप भाई बेसिक सैलरी का 100 इंक्लूड कर रहे हो तो 50 तो ऑटोमेटिकली कवर हो गया ना, इसका मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से तो ऊपर ही गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग कौन हो, एम्प्लॉयर हो, ठीक है, और वो एम्प्लॉय को अपनी लैंड और बिल्डिंग एज अकोमोडेशन दे, तो अकोमोडेशन इसकी सैलरी के अंदर, यानी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो इसकी सैलरी में तो टैक्स हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई ये तो एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट था, एम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या उसने कोई, उसे कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शन मिलेगी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई अमाउंट आएगा। उसने कहा भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या होगा, नो डिडक्शन अलाउड फॉर रेंट पेड एज प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन तो उस वक्त मिलती है ना जब आप किसी और से प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, और उसको रेंट पे करते हैं, तो रेंटल की डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में मिल जाती, लेकिन आपने तो प्रॉपर्टी खुद ओन करते हैं, तो हमने कहा यहाँ तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा भाई क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई ट्रीटमेंट होगा, उसने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी नो ट्रीटमेंट एज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एग्जैक्टली ना, हमने कहा कि भाई अब आप टैक्स में ये नहीं सोच सकते कि भाई क्योंकि मैंने ये, अगर मैं ये प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को नहीं देता, तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी इसको देता तो मुझे इतना अमाउंट रेंट का मिलता, तो क्योंकि मैंने इसे फॉरगो किया तो मेरा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर क्या कहा था, उसने कहा था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू, ये नहीं कहा था कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करें, तो यहाँ तो अमाउंट रिसीव्ड ही नहीं हुआ ना फिर, तो फिर आप कंपेरिजन कैसे करोगे आप, ठीक है। आई होप कि सब मेरे साथ हैं। हमने कहा भाई पहला केस क्या है कि जब लैंड और बिल्डिंग का ओनर कौन है, एम्प्लॉयर खुद, और वो लैंड और बिल्डिंग एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, एज अकोमोडेशन, ठीक है, तो एम्प्लॉय के लिए तो ये अकोमोडेशन है, सैलरी के अंदर जो है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू और 45% ऑफ बेसिक सैलरी व्हिच एवर इज हायर की बेसिस पे टैक्स हो गया। एम्प्लॉयर की इनकम में, टैक्सेबल इनकम में ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। हमने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कोई रेंट पे थोड़ी किया है। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई इनकम आएगी एम्प्लॉयर की, हमने कहा क्यों आएगी, क्योंकि उसने कोई इनकम जनरेट थोड़ी की है, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इस केस में तो अमाउंट रिसीव्ड है नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात है, ये तो कॉस्टिंग में पड़ते हो भाई, यहाँ टैक्स का इससे कोई लिंक नहीं है। अच्छा भाई फिर केस नंबर टू सुनते जाएंगे। हमने कहा केस नंबर टू क्या है, वेयर एन एम्प्लॉयर टेक्स एनी लैंड और बिल्डिंग फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी व्हिच इज गिवन टू द एम्प्लॉय एज अकोमोडेशन, देन द ट्रीटमेंट शैल बी एज फॉलोस, ठीक है। अब यहाँ उसने वेरिएशन कर दी, उसने कहा कि भाई एक जो है वो एम्प्लॉयर क्या ओन करता है, एम्प्लॉयर है ओन क्या करता है, ठीक है, नहीं एम्प्लॉयर ओन नहीं करता, हमने कहा ट्रीटमेंट चेंज है यहाँ पे, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर है, उसने क्या किया है, उसने जो है वो रेंट पे लिया है, क्या लिया है, लैंड और बिल्डिंग, किससे लिया है, हमने कहा थर्ड पार्टी से, ठीक है। अच्छा भाई इस लैंड और बिल्डिंग को एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, ठीक है, इस लैंड और बिल्डिंग को। अच्छा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट तो सैलरी वाला ही है ना, तो उसने कहा कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर उसको तो अकोमोडेशन मिली है, तो इसकी सैलरी में क्या होगा, वैसे ही टैक्सेशन हो जाएगी जैसे ऊपर की थी, क्या क्या टैक्सेशन हो जाएगी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ ए मार्केट वैल्यू बेचा है, ठीक है। तो हमने कहा भाई इसका और इसका ट्रीटमेंट तो बड़ा क्लियर है, सैलरी वाला ट्रीटमेंट है, एम्प्लॉय का ये कंसर्न ही नहीं है कि एम्प्लॉयर ने ये प्रॉपर्टी खुद से दी, खुद ओन करता है, किसी थर्ड पार्टी से लेके दी, उसको तो अकोमोडेशन मिल गई, तो जब अकोमोडेशन उसे मिली दी किसने, एम्प्लॉयर ने, तो जब एम्प्लॉयर ने इसे अकोमोडेशन दी तो हमने कहा एज ए रिजल्ट क्या होगा, 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ ए मार्केट वैल्यू व्हिच इज हायर की बेसिस पे इसकी सैलरी में टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये तो एम्प्लॉय की टैक्सेशन दी, एम्प्लॉयर का क्या होगा, हमने कहा एम्प्लॉयर ने प्रॉपर्टी खुद ओन नहीं करता बल्कि किसी थर्ड पार्टी से ली है, ठीक है, तो रेंट देगा, अब जो रेंट देगा उसके उसके अगेंस्ट उसे क्या मिल जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है, जो भी रेंट पे किया उसने। अच्छा भाई थर्ड पार्टी के लिए क्या होगा, ठीक है सुनते जाएंगे, थर्ड पार्टी के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड हायर ऑफ रूल शेल नॉट अप्लाई, किस केस पे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अच्छा भाई थर्ड पार्टी क्या रिसीव करेगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव करेगी, किससे रिसीव करेगी, हमने कहा एम्प्लॉयर से रिसीव करेगी, ठीक है। अच्छा भाई जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का होता है तो क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज हायर, लेकिन उसने कहा इसमें फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर ना करो, सिर्फ एक्चुअल को कंसिडर कर लो, क्यों, क्योंकि आपके लॉ ने क्या बात कही थी ऊपर, फिर पढ़े, उसने कहा था हायर ऑफ वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा कब, जब लेसी की सैलरी में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट टैक्स हो गया हो, ठीक है, फिर पढ़े, जब लेसी की सैलरी में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट टैक्स हो गया हो। तो अब मैं इस एग्जाम्पल पे अगर आता हूँ तो मैं कहता हूँ फेयर मार्केट वैल्यू का रूल अप्लाई नहीं करेगा कब,
कि जब लेसी की सैलरी में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट इंक्लूड, लेसी कौन है यहाँ पे, हमने कहा लेसी है इम्प्लॉय, ठीक है, क्यों, यूज वो कर रहा है तो वो लेसी हो गया, तो हमने कहा उसकी सैलरी में अकोमोडेशन के नाम पे, सैलरी के नाम पे जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट टैक्स हो गया। तो उसने कहा जब एक पार्टी में, पूरी ट्रांजैक्शन में अगर एक पार्टी की सैलरी के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट टैक्स हो गया, तो फिर जिस पार्टी ने इसे रेंट पे दिया था उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक्चुअल अमाउंट कंसिडर किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा, यानी जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव करेगा वो ही आपका जो है वो थर्ड पार्टी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगा, चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम हो चाहे वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू का रूल अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि सब मेरे साथ हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट केस, अच्छा भाई लास्ट केस क्या है सुनेंगे। अब उसने कहा कि भाई वेयर एन एम्प्लॉय सेल्फ हायरिंग, वेयर एन एम्प्लॉय स्पाउस माइनर चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय ओन्स लैंड और बिल्डिंग व्हिच इज गिवन टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर गिव्स द सेम प्रॉपर्टी टू द एम्प्लॉय एज अकोमोडेशन, देन द अमाउंट ट्रीटमेंट शैल बी एज फॉलो। सुनेंगे, हमने कहा भाई एम्प्लॉयर एक तरफ, एम्प्लॉय एक तरफ, ठीक है। अच्छा भाई इसने क्या किया, इसे लैंड और बिल्डिंग दिया रेंट पे, ओन कौन करता है, मैंने कहा एम्प्लॉय ओन करता है, ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है, यानी एम्प्लॉय ने जो वो लैंड और बिल्डिंग ओन करता है खुद, स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन, वो उसने रेंट पे दे दिया एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने क्या किया अपने एम्प्लॉय को, इसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल क्या दे दिया, उसने कहा लैंड और बिल्डिंग दे दिया, कैसे दे दिया, उसने कहा अकोमोडेशन पे दे दिया, ठीक है, यानी इसी से लिया और इसी को दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाएं इस पे, ठीक है, सही तरह से कंफ्यूज हो जाएं पहले। हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे से लिया उसी को आपने दे दिया, ठीक है, तो अब सुने, मैं एम्प्लॉयर हूँ आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं, मैंने कहा भाई मैं बाहर से कोई अमाउंट लूँ, बाहर से मैं कोई प्रॉपर्टी लूँ, आप मुझे एक काम करें कि मुझे आप अपनी जो है वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दें, आपने रेंट पे दे दी, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या, जैसे ही मुझे आपने रेंटल अग्रीमेंट हो गया, ठीक है, मैंने वही प्रॉपर्टी उठाई और मैंने कहा ये लो मेरे एम्प्लॉय, ये रखो अकोमोडेशन, जाओ रहो इसमें, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, पहली ट्रांजैक्शन में टेनेंट और ओनर का रिलेशनशिप है, दूसरी ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रीटमेंट समझ आ रहा है, पहली ट्रांजैक्शन में किसका किसका आपका भाई, यहाँ पे ओनर और, ठीक है, या हम वैसे ही चलते हैं। सुने, हमने कहा भाई एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को दी तो ये इसकी सैलरी में टैक्स हो गई अकोमोडेशन के नाम पे, ठीक है, टैक्स हो गई इसकी सैलरी में 45% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जाहिर की बेसिस पे इसकी सैलरी में टैक्स हो गई। अच्छा भाई एम्प्लॉयर के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि इसने रेंट पे एक चीज ली भी है तो रेंट पे करेगा, जितना भी रेंट पे करेगा उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या हो जाएगी, डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो हमने कहा भाई इसका ट्रीटमेंट भी हो गया, इसका क्या होगा, ये जो इसने रेंट पे प्रॉपर्टी दी थी इसका क्या होगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई लिखने के लिए है, इन एक्चुअल क्या है, ये ट्रांजैक्शन है इन बिटवीन ओनर, सॉरी इन बिटवीन टेनेंट एंड ओनर, ठीक है। तो ये टेनेंट क्या करेगा, ये टेनेंट इसको क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा। तो जब रेंट पे करेगा तो इस ओनर की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, रेंट टैक्स होना चाहिए। अच्छा कैसे होगा, उसने कहा भाई हायर ऑफ वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लेसी की सैलरी में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट चार्ज टू टैक्स हो गया, ठीक है। अब आप एक मिनट के लिए अज्यूम करेंगे एम्प्लॉय नहीं है, कोई और बंदा हो, थर्ड पार्टी हो, तब भी यही काम करते आप, ठीक है। तो उसने कहा सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ एम्प्लॉय खुद है, ठीक है। तो अब आपने दोनों को मर्ज नहीं कर देना है, ठीक है, कि भाई यहाँ भी एम्प्लॉय आ गया यहाँ भी एम्प्लॉय आ गया, नहीं, पहली ट्रांजैक्शन है इन बिटवीन ओनर एंड टेनेंट, दूसरी ट्रांजैक्शन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, ठीक है, दोनों ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस है, ठीक है, सब मेरे साथ हैं यहां तक।
अच्छा भाई यहाँ एक क्वेश्चन आया है साथ की तरफ से कि इफ द पर्सन हैज अ बिजनेस ऑफ लेटिंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट देन विल इट बी चार्ज टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है साथ इसके लिए थोड़ा सा आप रुक जाओ, ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ, जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है थोड़ा सा रुक जाए। सब यहाँ तक सब साथ हैं? चले आगे बढ़ते हैं। अभी जो पूछ रहे थे कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है, ठीक है तो ये जरा देखें अब्बासी साहब, फेयर मार्केट वैल्यू की जो कॉमन रूल्स में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? ठीक है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट एसेट सर्विस बेनिफिट ऑफ परचेज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम शैल बी द प्राइस विच द प्रॉपर्टी और रेंट एसेट सर्विस बेनिफिट ऑफ परक्विजिट वुड ऑर्डिनरीली फेच ऑन द सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट एट दैट टाइम। इट शैल बी डिटरमिन्ड विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट अदरवाइज कन्वर्टेबल टू कैश। वेयर द प्राइस अदर देन प्राइस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इज नॉट ऑर्डिनरीली असर्टेनेबल सच प्राइस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कमिश्नर। ठीक है हमने कहा कि भाई अगर इमोबल प्रॉपर्टी की कौन करेगा? वैल्यूअर करेगा। ठीक है अगर कमिश्नर को नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने कहा ये हम पढ़ेंगे, ये हमने मैंने लिख भी दिया है कि कवर्ड इन डिटेल विद टॉपिक कॉमन रूल्स। ठीक है लेकिन यहाँ पे हमने कहा भाई इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी पे जैसे आपने आपको याद है ना एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम में रिस्ट्रिक्शन थी तो उसने कहा कि भाई अब फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आ सकती तो इसलिए अब आप सेलिंग में ट्रीटमेंट ना करें उस वक्त तक जब तक रिस्ट्रिक्शन एंड ना हो जाए। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है वो कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आ सकती जब तक आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है रिस्ट्रिक्शन हटाएं तो फिर उसे एक ओपन मार्केट में छोड़ें और उसके बाद फिर आप अज्यूम करें कि भाई जो प्राइस आ रही है इसकी क्या है वो ओपन मार्केट प्राइस है। मेरे साथ हैं? चले वेरी गुड। अच्छा इसके बाद आपके पास है एक्सक्लूजन्स। ठीक है हमने कहा भाई इंक्लूजन तो हमने पढ़ ली, तीन तरह की इंक्लूजन को हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है अब एक्सक्लूजन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। उसने कहा भाई पहली एक्सक्लूजन क्या है? एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ अ बिल्डिंग बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। यानी बिल्डिंग भी है प्लांट एंड मशीनरी भी है तो इसका कॉम्पोजिट अग्रीमेंट है, एक अग्रीमेंट किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का। तो उसने कहा भाई इन टोटल क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अपोर्शनमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कहा क्यों? चाहे कंसिडरेशन मिला के दी हुई हो चाहे कंसिडरेशन अलग अलग दी हुई हो, अगर अग्रीमेंट एक ही किया है आपने ठीक है तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट चाहे कंसिडरेशन स्प्लिट हो। क्या मतलब स्प्लिट हो? बिल्डिंग के अगेंस्ट 1 मिलियन, प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट 1.5 मिलियन। तो उसने कहा भाई ये टोटल 1.5 मिलियन कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि लॉ क्या कह रहा है? एनी रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है क्योंकि आपने बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को साथ में दिया है तो जो भी अमाउंट होगा वो कहाँ चला जाएगा? दोनों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर आप इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ना ले जाएं। ठीक है पहली बात। दूसरी बात क्या है? उसने कहा एनी अमाउंट इज इंक्लूडेड इन रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन फॉर प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है अगेन हमने कहा प्रोविजन किस चीज का? एमिनिटीज का, यूटिलिटीज का और एनी अदर सर्विस। तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये अमाउंट कहाँ चली जाएगी? ये अमाउंट भी आपकी कहाँ चली जाएगी भाई? हमने कहा इनकम फ्रॉम भाई फॉर एग्जाम्पल ओनर है, ओनर ने कहा कि भाई मैं आपको रेंट पे बिल्डिंग देता हूँ। ठीक है बिल्डिंग के साथ साथ जो आपकी यूटिलिटीज होंगी वो मैं पे कर दूंगा, गार्ड की सैलरी मैं पे कर दूंगा, लेकिन इस पे मैं अलग से एक चार्ज रखूंगा। भाई फॉर एग्जांपल सुनेंगे सब, जनरली क्या होता है कि जैसे हाइपर स्टार है ठीक है, अब हाइपर स्टार क्या करता है, ये डॉलमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है हाइपर की जब मैं बात कर रहा हूँ डॉलमेन की बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा भाई डॉलमेन वाले क्या करते हैं? वो जो है उन्होंने कहा भाई मैं आपको जो है वो एक लेट से एक ऑफिस हम आपको रेंट पे देते हैं। ठीक है अच्छा भाई ऑफिस का रेंट कितना है? हमने कहा भाई अज्यूम कर रहा हूँ ऑफिस का रेंट है 1 मिलियन का, क्या आप चाहते हैं कि हम आपको अदर सर्विस भी दें? हमने कहा बिल्कुल चाहते हैं। तो उसने कहा भाई जो भी अदर सर्विस की अमाउंट होगी एक्चुअल प्लस 10% ये भी हम आपसे रिसीव करेंगे। यानी ये अमाउंट किसके अगेंस्ट थी? ये अमाउंट थी बिल्डिंग के रेंट के अगेंस्ट और ये एक्चुअल प्लस 10% किसके अगेंस्ट है? हमने कहा एक्चुअल तो वो क्या करेगा, जाके पे कर देगा भाई, गार्ड की सैलरी पे करेगा, यूटिलिटी की कंपनी को यूटिलिटीज की अमाउंट पे करेगा, लेकिन इसने इस पे सर्विस चार्ज भी रखा। तो उसने कहा ये जो आप 10% एडिशनल ले रहे हो ये कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर।
सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। ये 10% मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। जो भी सर्विस मैं प्रोवाइड करूंगा ऑब्वियसली उसकी मैं अलग से चार्जेस दे रहा हूँ ना। यानी इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है कि भाई टेनेंट को हैसल में नहीं पड़ना पड़ रहा। अब सिक्योरिटी बिल्डिंग में तो दी हुई है, ठीक है, तो उसके भी उसको चार्जेस बेयर करने पड़ रहे हैं, जितने भी चार्जेस है वो बेयर करेगा। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद है रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की स्पेलिंग सही कर लेंगे। ठीक है, रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है? हमने कहा भाई इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है कि जिसने ए ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और बी ने किसको दी? सी को प्रॉपर्टी दी। ये कौन है? हमने कहा ये है ओनर। किस चीज़ का ओनर है? लैंड और बिल्डिंग का। अच्छा, जब आप इसे ये रेंट पे देंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा? ये कंसिडरेशन देगा। ये कंसिडरेशन ए के लिए आप कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि वो ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग है। लेकिन जब बी जो है वो इसे रेंट पे देगा सी को, और सी बी को जो कंसिडरेशन देगा, तो ये कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा यहाँ पे प्री रिक्वेजिट कंप्लीट नहीं हुआ। प्री रिक्वेजिट क्या था? कि एनी ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, ये बी तो ओनर है ही नहीं, तो उसने कहा अब जो सी से वो कंसिडरेशन रिसीव करेगा, उसने ये क्या किया है, इसने इसे सबलीज करवाया था। तो जो सबलीज के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव हो वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, इसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये हम पढ़ चुके हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु ड्राइव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सीडिंग, एक्सीडिंग रुपी इन अ टैक्स एंड डज नॉट ड्राइव टैक्सेबल अंडर एनी अदर एक्ट। ठीक है, तो हमने कहा ये कहाँ चली जाती है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चली जाती है। ठीक है, ऊपर हमने एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात की थी, इधर आ जाए वापस। ठीक है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ड्राइव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन नॉट एक्सीडिंग 200,000 रुपीज इन अ टैक्स ईयर एंड डज नॉट ड्राइव टैक्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ था? हमने यहाँ पे बात की थी ना, हमने कहा एक कोई भी ऐसा इंडिविजुअल और यूपी जो रेंटल इनकम ड्राइव करता है नॉट मोर देन 200,000, तो उसकी इनकम कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। आप उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्लासिफाई ना करें। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक जो कंडीशन और भी थी वो क्या थी? उसने कहा डज नॉट ड्राइव टैक्सेबल इनकम अंडर एनी अदर हेड। ठीक है, यानी किसी और हेड के अंदर वो कोई और इनकम ड्राइव नहीं करता। तो हमने कहा आप इसकी क्लासिफिकेशन कहाँ करवाएं? आप इसकी क्लासिफिकेशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ना कराएं। क्यों? क्योंकि ये 200,000 से एक्सीड नहीं करे। या तो आप कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा कुछ भी नहीं का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आप इसे क्लासिफाई करवाएं, लेकिन कहाँ क्लासिफाई करवा दें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। एनीवेज टैक्स फिर भी नहीं होगा ना। देखें, अगर इसकी समझेंगे, वहां हमने एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात की थी, यहाँ हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करें। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा कि भाई अगर आपकी किसी और हेड के अंदर कोई और इनकम नहीं है, ठीक है, और आपकी इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम है लेकिन 2,00,000 से एक्सीड नहीं करती, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासिफाई नहीं होगी। क्लासिफिकेशन कहाँ हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी उसने ये कहा है कि आपकी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ यही इनकम थी, तभी तो इसे आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासिफाई करवाया। ठीक है, यानी सिर्फ क्लासिफिकेशन का डिफरेंस है। ठीक है, कि आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासिफाई ना करवाएं, बल्कि आप इसे क्लासिफाई कहाँ करवा दें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, प्रॉपर्टी में क्लासिफाई ना करवाएं। अच्छा, फिर लास्ट पॉइंट उसने कहा कि भाई ग्राउंड रेंट अगर हो तो ग्राउंड रेंट भी जो है वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। ग्राउंड रेंट होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। एक तो सिंपल जो आप मतलब कहते हैं ना कि जो ग्राउंड का रेंट हो, ठीक है, लेकिन इसे लीगली जो है वो एक डिफरेंट वे में लिया जाता है। सुनेंगे सब। हमने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड किसकी है? हमने कहा भाई ये लैंड है लेट्स से मिस्टर ए की, ये लैंड है, ओन करते हैं ये से।
मिस्टर बी आए, मिस्टर बी ने कहा कि भाई मिस्टर ए मैं आपकी लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने कहा भाई इस बिल्डिंग का ओनर कौन है, मिस्टर बी, ठीक है, यानी लैंड का ओनर कौन है, मिस्टर ए, और बिल्डिंग का ओनर कौन है, मिस्टर बी। अच्छा, अब बिल्डिंग का ओनर क्या करता है, बिल्डिंग को रेंट आउट करता है मिस्टर सी को, ठीक है। तो क्या होगा, हमने कहा भाई ये जो बिल्डिंग रेंट आउट की है आपने मिस्टर सी को, मिस्टर सी क्या करेगा, मिस्टर बी को जो है वो रेंट पे करेगा, ठीक है, ऐसे ही है ना भाई, मिस्टर सी मिस्टर बी को रेंट पे करेंगे। तो हमने कहा ये रेंट बी की इनकम में कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय एन ओनर ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग फॉर यूज ऑक्यूपाई और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई शेल बी क्लासिफाइड अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऐसा ही है। तो हमने कहा सी जो अमाउंट बी को देगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चली जाएगी। अच्छा, तो फिर बी ए को क्या कुछ पे नहीं करेगा। अब उसने कहा कि नहीं, बी भी जो है वो ए को अमाउंट देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी। तो उसने कहा ये क्या हुआ, ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ग्राउंड रेंट के अंदर। इसके लिए ए के लिए इनकम कौन सी बन जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बन जाएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। अब आप में से कोई ये कहे कि भाई यहाँ ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं गई, जा तो सकती थी। एनी अमाउंट रिसीव बाय एन ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, लैंड का ओनर है ए, उसने अमाउंट रिसीव की है बी से, ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं गई। तो भाई पॉइंट ये है कि कोई भी ओनर ऐसा नहीं होता कि जो यूज़ की डेफिनेशन में कंस्ट्रक्शन को भी लेके आ जाए। अगर आप एक लैंड के ओनर हैं और आप मुझे रेंट पे एक लैंड देते हैं, तो मैं उस पर अगर बिल्डिंग बना के बैठ जाऊँ, ठीक है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आप कहेंगे भाई यूज़ करने के लिए दी थी, और मैं आगे से कहूँ भाई यूज़ ही तो की है, बिल्डिंग बनाई, यूज़ कर की है मैंने। तो उसने कहा नहीं, नॉर्मल यूजेज के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं आती, इसीलिए ग्राउंड रेंट का अलग से कॉन्सेप्ट दिया उसने। तो उसने कहा इसलिए मैं इसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसे मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ले जाऊंगा। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से बता दें।
चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा नमाज का ब्रेक ले लें। चलें हम एक काम करते हैं, हम जो है वो 10 मिनट्स का नमाज का ब्रेक लेते हैं और फिर हम 10 मिनट के बाद क्लास को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
चले जी स्टार्ट करें, हम सब साथ हैं, स्टार्ट करें डिस्कशन। चलें अच्छा देखिए, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल चार्जेबिलिटी की, ठीक है, तो चार्जेबिलिटी के केस के अंदर आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ में प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से ज़रा मुझे कंफर्म करें। चलें परफेक्ट है। तो देखिए चार्जेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, अब सब सबका फोकस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबका फोकस रहे, हम जो है वो कंक्लूड करेंगे इसे, ठीक है। हाफ टॉपिक हम जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का कर चुके हैं, अब जो है वो बाकी जो हाफ है उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। चार्जेबिलिटी द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। ऑब्वियसली यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेशन कैसे होगी? अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। रिसीवेबल में ऑटोमेटिकली जो है वो अक्रूवल के अंदर ऑटोमेटिकली रिसीव और रिसीव दोनों ही, रिसीव और रिसीवेबल दोनों ही कवर हो जाते हैं आपके पास। तो हमने कहा इसका मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की टैक्सेशन कैसी होती है? अक्रूवल बेसिस के ऊपर, यानी इनकम रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो तो टैक्स हो जाए, और अगर एक्सपेंस पेड हो या पेबल हो तो क्लेम हो जाए। बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर एक्सक्लूडिंग एडवांस रेंट विच डज नॉट पर्टेन टू द सेम टैक्स ईयर, ठीक है, ठीक है। यानी फिर पढ़ें, ये लॉ की लाइन है, ये जो ब्रैकेट में नरेशन जो मेरी है, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अदर देन, यानी बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपने टैक्स ईयर 2020 के, सुनेंगे, मैंने कहा भाई 1 जुलाई 2020 को आपने जो है वो रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव्ड किया कितने साल का? 2 ईयर्स का, यानी आपने अमाउंट रिसीव की ₹2.4 मिलियन की, ठीक है। तो अब मुझे बताएं टैक्स ईयर 2021 के अंदर क्या 2.4 मिलियन में टैक्स कर दूं रिसीव्ड बेसिस के ऊपर? उसने कहा देखें रिसीव्ड बेसिस है, लेकिन साथ में रिसीव्ड के साथ क्या वर्ड लिखा है उसने? फॉर अ टैक्स ईयर,
यानी इस साल से जो पर्टेन करता हो, तो भाई इस साल से पर्टेन कितना करता है? मैंने कहा इसे आप कर दें डिवाइडेड बाय 24 × 12, यानी कितना हो गया 1.2 मिलियन इस साल से पर्टेन करता है। बाकी 1.2 मिलियन इस साल टैक्स नहीं होगा, वो कब टैक्स होगा? वो टैक्स होगा टैक्स ईयर 2022 के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि एडवांस रेंट बिल्कुल रिसीव बेसिस पे टैक्स होता है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि इस साल से पर्टेन करता हो। लेकिन उसने कहा कि भाई अदर देन एग्जेम्प्ट रेंट, ये हम भी जानते हैं, हमने उस वक्त की बात कही थी आपसे कि भाई सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कभी भी एग्जेम्प्ट अमाउंट नहीं आती। अगर आती होती तो आप टोटल इनकम के अंदर सम ऑफ ऑल हेड्स के अंदर आप जो है वो एग्जेम्प्ट ऐड नहीं करते। ऐड इसीलिए करते हैं कि ऊपर नहीं आती है, ठीक है? फिर उसने कहा पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ये नरेशन हमारी, एडवांस रेंट रिसीव शैल बी अकाउंटेड फॉर ओनली टू द एक्सटेंट दैट पर्टेन्स टू द सेम टैक्स ईयर, एडवांस रेंट रिसीव फॉर द फ्यूचर टैक्स पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, हमने यही काम यहाँ पे कर लिया। फिर वो कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर कंपनी शैल बी चार्जेबल एट कॉर्पोरेट टैक्स रेट प्रीवेलिंग इन दैट टैक्स ईयर, ठीक है? हमने कहा भाई अभी कितना टैक्स रेट चल रहा है? 29%, ठीक है? अगर कंपनी रिसीव करती है तो इतना 29% लगेगा, अगर इंडिविजुअल और ईओपी रिसीव करते हैं तो रिड्यूस रेट्स कितने हैं? उसने कहा भाई वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट डज नॉट एक्सीड 2 लाख तो नील लगेगा, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड 200,000 बट डज नॉट एक्सीड 600,000 तो 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 200,000, और इसी तरह से पूरा टेबल आपके पास गिवन है, ठीक है? तो हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि भाई इंडिविजुअल और ईओपी के लिए रेट्स कौन से हैं? रिड्यूस रेट्स, ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए रेट कौन सा है? 29%, ठीक है? अभी मैं इस बात को चेंज करूंगा अपनी, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाए अपनी इस बात को मैं चेंज फिर से करूंगा, ठीक है? यानी टैक्स रेट फिर सुन लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स रेट कंपनी के लिए है कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% और इंडिविजुअल और यूपी के लिए कितने टैक्स रेट्स हैं? हमने कहा रिड्यूस रेट्स हैं, ठीक है? आई होप कि सब मेरे साथ है। अच्छा फिर इसके बाद आपके पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शन की अगर हम बात करें, एंटाइटलमेंट फॉर डिडक्शन, ठीक है, द डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन पेड और पेबल बेसिस, ठीक है? अभी ऑब्वियसली हमने कहा अगर अक्रूवल है तो डिडक्शन भी आपके पास जो है वो पेड या पेबल बेसिस पे अलाउड होंगी। किसे अलाउ होंगी? उसने कहा कंपनी को या फिर इंडिविजुअल या एओपी को हु ऑप्ट फॉर गिविंग टैक्स रेट्स एट जनरल टैक्स रेट इंस्टेड ऑफ रिड्यूस रेट्स मेंशनड अबव फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई डिडक्शन कंपनी को अलाउ होगी और इंडिविजुअल और एओपी अगर जनरल रेट्स पे टैक्स देते हैं तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शंस मिलेंगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल और एओपी रिड्यूस रेट पे टैक्स देना पसंद करेंगे तो फिर उस केस के अंदर देयर इज नो डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी व्हिच इज गोइंग टू बी अलाउड टू इंडिविजुअल और एओपी। सब मेरे साथ हैं यहां तक, ठीक है? छोटी सी बात है ना, यानी चेंज है ये फाइनेंस एक्ट का, रीसेंट फाइनेंस एक्ट का आपके पास चेंज है कि अगर इंडिविजुअल और यूपी जनरल रेट्स पे टैक्स देते हैं, जनरल रेट्स कौन से? सैलरी नॉन सैलरी वाले, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे डिडक्शन जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल और यूपी ये डिसाइड करते हैं कि रिड्यूस रेट पे देना है तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। जाहिर जब रेट ज्यादा है तो डिडक्शन दे रहा है और जब रेट कम है तो फिर उस केस के अंदर डिडक्शन नहीं देगा, नहीं देगा। अब ये आप ऑब्वियसली फिजिबिलिटी बनाएंगे, ठीक है, आप एक वाइबिलिटी देखेंगे कि भाई वाइबल ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, ये तो बात की बात है। एनीवेज अब वो कहता है कि भाई लिस्ट ऑफ डिडक्शंस अलाउड, सुनते जाएंगे डिडक्शंस कौन कौन सी हैं, ठीक है? उसने कहा कि भाई सबसे पहले है रिपेयर अलाउंस, किसके अगेंस्ट अलाउ होता है? बिल्डिंग के अगेंस्ट। कितना अलाउ होगा? 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी रिपेयर अलाउंस सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होगा, वो भी कितना? 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ पे नीचे, the actual repair expense shall be ignored even if 1/5 is more than the actual repair or even if the actual if in actual no repair is there. yani iska matlab kya hua ki you need not to consider the actual amount of repair allowance. theek hai, humne kya karna hai? hame jo hai wo actual ko ignore kar dena hai, chahe wo 1/5 se kam ho, chahe 1/5 se zyada ho, chahe actual kuch bhi na ho, aapne chhod dena hai. aapne kise consider karna hai? sirf aur sirf 1/5 of चार्जेबल रेंट को। 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है? ग्रॉस रेंट की बात कर रहा है। ग्रॉस रेंट किसका सम है? तीन चीजों का सम है, आपने ऊपर पढ़ लिया। फिर कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिल्डिंग टू इंश्योर द बिल्डिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेजेस और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको। अच्छा भाई फॉर एग्जाम्पल एक सवाल सुमन और ये जितने बच्चे यहाँ जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से जरा मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, ठीक है, मैंने उसको इंश्योरेंस करवाई भी है,
क्या मुझे उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डिडक्शन में अलाउ होगा या नहीं होगा? ठीक है, कोई कह रहा है अलाउ होगा, कोई कह रहा है नहीं। देखें, फिर सुने, मैंने कहा एक बिल्डिंग है कि जो इंश्योरेंस मैंने जिसकी करवाई भी है, अब एक्सपेंस मैंने बेयर किया है, अब मैं उसकी डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, क्या मुझे अलाउ होगा या नहीं होगा? ठीक है, ठीक है, ये आंसर चाहिए। अब्बासी साहब ने जो दिया कि भाई रेंट पे अगर दी हुई है तो अलाउ होगा, अगर रेंट पे नहीं दी है तो सिर्फ बिल्डिंग का नहीं। तो हमने कहा कंडीशन क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिडक्शन कब मिलती है, जब आपने किस पे दी हुई हो, रेंट पे दी हुई हो ना। इसके बाद एनी लोकल रेट, टैक्स चार्ज और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट बीइंग इनकम टैक्स पेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। उसने कहा देखो प्रॉपर्टी टैक्स की मैं आपको डिडक्शन दूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी नेचर का हो सकता है, उसमें क्या आ सकता है, फायर टैक्स आ सकता है, वाटर टैक्स आ सकता है, म्यूनिसिपल टैक्स आ सकता है, लेकिन इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी। भाई फॉर एग्जाम्पल सुनेंगे, अगर आपको विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट का अब आइडिया तो हो गया ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि ओनर है ये, ठीक है, ओनर और ये है टेनेंट, ठीक है, आगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। टेनेंट जब ओनर को रेंट देगा, लेट से 100 रुपए का देता है, तो इसमें से 10 रुपए विदहोल्ड कर लेगा, 90 देगा, ठीक है, ठीक है, ये विदहोल्डिंग टैक्स आया। क्या इस विदहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन ओनर को अलाउ होगी? हमने कहा विदहोल्डिंग टैक्स इज इनकम टैक्स, ठीक है, आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। सेक्शन 21 भी कहता है ना डिडक्शन नॉट अलाउड के अंदर, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। अगर इनकम टैक्स की डिडक्शन देनी ही है तो फिर टैक्स क्यों चार्ज किया? क्यों? क्योंकि डिडक्शन का इंपैक्ट क्या होगा, टैक्सेबल इनकम कम होगी, जब टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी फिर। तो उसने कहा प्रॉपर्टी टैक्स की मैं डिडक्शन जरूर दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स की ना हो, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स की नेचर का हो या किसी भी नेचर का हो, इनकम टैक्स की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एनी ग्राउंड रेंट, ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया, मैंने यहाँ पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी की जो है वो डेफिनेशन भी यहाँ पे आपकी रेफरेंस पर्पसेस के लिए डाल दी कि रेंट पेड बाय टेनेंट अंडर अ लॉन्ग टर्म लीज फॉर द यूज ऑफ अनडेवलप्ड लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, ऑल्सो टर्म्ड एज रिडीमेबल ग्राउंड रेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड रेंट की डेफिनेशन डाल दी। यानी ये ऊपर हमने देखा था ना कि ए की लैंड पे बी ने बिल्डिंग बनाई, बी ने जो है वो सी को रेंट आउट किया, तो जो सी पे करेगा बी को, वो बी के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और बी जो ए को पे करेगा वो उसके लिए ग्राउंड रेंट ए के लिए। लेकिन बी अगर ए को पे कर रहा है तो बी के लिए एक्सपेंस भी तो हुआ ग्राउंड रेंट, तो वो ग्राउंड रेंट का एक्सपेंस एक तरफ सी से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है और एक तरफ वो ए को जो है वो ग्राउंड रेंट पे कर रहा है, तो उस इनकम में से ये ग्राउंड रेंट का एक्सपेंस क्या अलाउ हो जाएगी, आपको उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज फिर इसके बाद, ठीक है, ये तीनों को हम जो है वो एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां क्या कहता है, वो कहता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप टेंशन ना लें, क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे भाई, फॉर एग्जांपल मैंने ये सोचा कि मैं एक प्रॉपर्टी लूँ और प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कहाँ चला जाऊँ, मैंने कहा मैं बैंक के पास चला जाऊँ। अच्छा भाई, जब मैं बैंक के पास जाऊँगा तो बैंक के पास जाने के दो ऑप्शन हैं, या तो मैं कन्वेंशनल के पास जाऊँ, या मैं किसके पास जाऊँ, या मैं इस्लामिक के पास चला जाऊँ, ठीक है। अगर मैं कन्वेंशनल के पास जाता हूँ तो वो मुझे जिस प्राइस पे देगा वो, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप प्रॉफिट ऑन डेट भी कहते हैं, उसे आप इंटरेस्ट भी कहते हैं, उसे आप मार्कअप भी कह सकते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छा। फिर उसने कहा कन्वेंशनल जो है वो ऐसे नहीं देता, कन्वेंशनल के भी दो मोड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। अगर लोन छोटा है तो बगैर कुछ मॉर्गेज किए हुए आपको वो अमाउंट दे देगा, अगर लोन बड़ा है तो वो आपसे सिक्योरिटी लेगा, ठीक है, मॉर्गेज करवाएगा। तो उसने कहा सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, आपने कन्वेंशनल के अंदर क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन डेट या मार्कअप बाय वॉट एवर नेम कॉल, ठीक है, आपने ये अमाउंट जो है वो पे करनी होती है लोन के अगेंस्ट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये मैंने लोन लिया क्यों था,
ये मैंने लोन क्यों लिया, मैं बैंक के पास गया क्यों था, ताकि मैं क्या करूं, बाय करूं। क्या बाय करूं, एक जो है वो लैंड या बिल्डिंग बाय करूं। इस लैंड और बिल्डिंग से मैंने क्या करना है, इसे रेंट पे देना है और क्या जनरेट करनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो उसने कहा भाई एक हो गया आपका एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है ठीक है, डिडक्शन है, और एक हो गई आपकी इनकम। तो उसने कहा इस एक्सपेंस को इस इनकम से आपको क्या डिडक्शन अलाउड होगी, उसने कहा डेफिनेटली ठीक है, आपको इसकी डिडक्शन जो है वो अलाउड की जाएगी ठीक है। अच्छा जब मैं कन्वेंशनल की बात करता हूँ तो ये प्रॉफिट ऑन डेट की बात होती है, जब मैं इस्लामिक की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो टर्म्स यूज करता है, एक कहता है शेयर इन रेंट और एक वर्ड यूज करता है शेयर इन एप्रिसिएशन। सुनते जाएंगे, हमने कहा भाई शेयर इन रेंट क्या होता है, ये इंटरेस्ट तो समझ आ गया ना सबको ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल सुने, हमने कहा भाई 50 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, उस पर उसने कहा कि मैं लेट से कि आपसे 10 मिलियन का मार्कअप लूंगा ठीक है, यानी इन टोटल मैं आपसे 60 मिलियन लूंगा, कितने टाइम में, 10 ईयर्स पे, यानी हर साल मुझसे कितने लेगा, 6 मिलियन पर ईयर लेगा। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक 5 मिलियन होगा, एक 1 मिलियन होगा। अच्छा भाई 5 मिलियन के अंदर क्या आ रहा होगा, 5 मिलियन इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और 1 मिलियन इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने कहा ये जो 1 मिलियन है इसकी मैं आपको क्या दे दूंगा, डिडक्शन दे दूंगा ठीक है। ये पहली कन्वेंशनल की बात। अच्छा जब मैं इस्लामिक की बात करता हूँ तो इस्लामिक वाला ये नहीं कहता, इस्लामिक की ट्रांजैक्शन डिफरेंट होती है, इस्लामिक के अंदर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते ठीक है, शेयर इन रेंट कहते हैं और शेयर इन अप्रिसिएशन कहते हैं। इस्लामिक वाला ये कहता है कि भाई अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो ये नहीं कहेगा ये लो पैसे जाके ले लो, इस्लामिक वाला कहेगा भाई कौन सी प्रॉपर्टी मुझे बताओ, मैं बाय करूंगा उसे, मैं बाय करने के बाद आपको बेच दूंगा ठीक है, मैं आपको सेल करूंगा। यानी अगर आज की डेट पे प्रॉपर्टी सुनेंगे 50 मिलियन की है तो वो कहता है ठीक है मैंने 50 मिलियन में बाय की और मैं आपको 5 मिलियन में बेच देता हूँ, मतलब 5 मिलियन एडिशनल चार्ज करके अपना प्रॉफिट चार्ज करके आपको 55 की बेच देता हूँ। और क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है तो अगर आपको 10 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, 60 मिलियन, तो मैं आपसे टोटल इन टोटल 55 मिलियन क्यों लूँ, तो दोनों का जो डिफरेंस है 5 मिलियन वो भी मैं आपसे लूंगा, तो इन टोटल मैं आपसे कितने लूंगा, मैं आपसे 60 मिलियन लूंगा। एक को उसने नाम दे दिया, उसने कहा कि भाई एक क्या है, एक है शेयर इन रेंट और एक क्या है शेयर इन अप्रिसिएशन, यानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ रही है उसने कहा उसके अगेंस्ट भी मैं आपसे शेयर लूंगा ठीक है। तो उसने कहा मैं भी आपसे कितने लूंगा, 60 मिलियन लूंगा ठीक है, कितने टाइम पे लूंगा, 10 ईयर्स पे लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर साल कितना लेगा, 6 मिलियन लेगा। इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा 5 मिलियन, एक होगा 0.5 मिलियन और एक होगा 0.5 मिलियन ठीक है। उसने कहा ये मेरा एक्सपेंस है, इसकी क्या अलाउ हो जाएगी, डिडक्शन अलाउ हो जाएगी ठीक है। यानी शेयर एंड रेंट क्या है, उसने कहा कि भाई मैंने प्रॉपर्टी ली 50 मिलियन की ठीक है, मैं आपको 55 मिलियन, भाई मेरा पेन है 10 रुपए का है, अब मैं कह रहा हूँ मैं 50 का बेचता हूँ, आप कह रहे हैं मैं लूंगा ही नहीं, मार्केट में मुझे 10 का मिल रहा है, मैं क्या कहूँगा ले लो जाके ठीक है, मैं तो इतने का ही दूंगा। अब बैंक आपसे कह रहा है, इस्लामिक बैंक दुबई इस्लामिक आपसे ये कहता है या बैंक इस्लामी आपसे ये कहता है कि भाई 50 मिलियन की प्रॉपर्टी मैं आपको 5 मिलियन ऊपर रख के मैं आपको बेच रहा हूँ ठीक है, आप ले लें ठीक है। अच्छा फिर जब ये प्रॉपर्टी का टर्म एंड होगा तो उस वक्त मार्केट वैल्यू मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि 60 मिलियन होगी, तो आप इन टोटल तो सिर्फ 55 मिलियन पे करोगे, तो 5 मिलियन भी आप मुझे एडिशनल दो। तो एक मैं नाम से ले रहा हूँ शेयर इन रेंट के, एक मैं नाम से ले रहा हूँ शेयर इन अप्रिसिएशन के ठीक है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, चले जी वेरी गुड। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा अदर चार्जेस, सुनते जाएंगे। देखें आप बहुत अच्छे से जो है वो सुन रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ ठीक है, का जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ रोक दें आप ठीक है, क्योंकि हम जो है वो इसी तरह से अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम टाइम से भी पहले आपके कोर्स को एंड कर सकेंगे ठीक है। सुनते रहें, अदर चार्जेस ठीक है।
अदर चार्जेस के अंदर क्या आएगा, ठीक है। उसने कहा कि भाई कोई भी ऐसा चार्ज, कोई भी ऐसा एक्सपेंस के जो ऊपर अलाउ नहीं हुआ, ठीक है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट टू बी नोटेड है ना, ये कंक्लूजन है, ठीक है। अगर मैं ना भी हूँ तो आप ये पढ़ लें तो आपको इसका समझ आ जाएगा क्या लिखा है। उसने कहा भाई एनी चार्जेस एट द लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो या कलेक्शन चार्जेस की नेचर की हो, और 4% ऑफ चार्जेबल रेंट या ग्रॉस रेंट कहते हैं आप इसे, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अब पॉइंट टू बी नोटेड में मैंने लिखा है कि इफ एनी डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन एनी हेड, इन एनी अदर हेड, इट कैन बी क्लेम फ्रॉम हेयर इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, बट द नेचर शैल बी ऑफ कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम शैल नॉट बी अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी का ओनर हूं मैं, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी ओन करता हूँ, मैंने आपको रेंट पे दिए। अब ओनर मैं हूं तो मैं डेप्रिसिएशन तो क्लेम करूंगा ना उसका। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन के नाम से तो कोई डिडक्शन आ ही नहीं रही यहाँ पे, क्या मैं अदर चार्जेस से क्लेम कर लूँ? लॉ कहता है रुक जाए, अदर चार्जेस में सिर्फ वो चीज अलाउड होगी कि जो क्या नेचर की हो, पेड नेचर की हो, पेड नेचर की हो, यानी नॉन कैश आइटम्स अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ कैश आइटम्स अलाउ होंगे। तो अदर चार्जेस में कैसे करते हैं, एनी चार्जेस एट द लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ ए मार्केट 4% ऑफ ग्रॉस रेंट व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में क्या आएगा, भाई मैंने बंदा रखा हुआ है, ठीक है, ज़ाहिर प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है वो, मैंने बंदा रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो सैलरी अदर चार्जेस से क्लेम हो सकती है। अच्छा भाई, और क्या आ सकता है, मैं मुझे अगर कोई डिडक्शन यहाँ ऊपर से कहीं से अलाउ नहीं होती, और अगर वो कैश आइटम के नेचर की है तो यहाँ से अलाउ हो जाएगी। और क्या आ सकता है, मैंने अपने कलेक्शन चार्जेस, यानी मेरे जो रिसीवेबल्स हैं उसको मैंने आउटसोर्स कर दिया है, मैंने कहा भाई, मैंने जो है वो एक पार्टी के हवाले कर दिया, मैंने कहा भाई आप कलेक्ट कर लें इस एरिया से, ठीक है, लियारी से, मैंने कहा भाई मुझसे कलेक्ट नहीं हो सकता, आप कलेक्ट करके देते मुझे। तो अब उस केस में वो पार्टी मुझसे क्या लेगी, मुझसे कलेक्शन चार्जेस लेगी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो रिकवरी डिपार्टमेंट्स होते हैं इस तरह के, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह की सर्विसेज माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो रेंडर कर रही होती हैं, इवन यूटिलिटीज चार्जेस जो है वो भी रिकवर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्टोरिकली जो है अपनी सर्विसेज दी हैं, ठीक है। अब आजकल तो चले हालात बहुत बेहतर हो गए। एनीवेज, तो हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ 4% ऑफ चार्जेबल रेंट व्हिच एवर इज लोअर, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि इसमें से कौन सी अमाउंट आएगी, सिर्फ और सिर्फ चार्जेबल मतलब पेड बेसिस की आएगी, नॉन कैश आइटम्स जो है वो इसके अंदर अलाउड नहीं होंगे। फिर इसके बाद वो कहता है कि भाई आपके पास है लीगल चार्जेस, ठीक है, लीगल चार्जेस के अंदर क्या आएगा। उसने कहा दो तरह के चार्जेस, चार्जेस टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपके अंदर डिस्प्यूट आ गया, एक प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी है, अच्छा उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं टैक्स तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी ओनरशिप सेटल नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी के टाइटल को अगर डिफेंड करने के लिए जा रहा हूँ तो जो एक्सपेंस मैं बेयर करता हूँ क्या मुझे लीगल चार्जेस की फॉर्म में अलाउ होंगे। उसने कहा बिल्कुल अलाउ होंगे, क्यों, क्योंकि आप ये चार्जेस बेयर क्यों कर रहे हो, टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरे चार्जेस कौन से अलाउ होंगे, एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन अ कोर्ट एक्सक्लूडिंग द रेंट अग्रीमेंट चार्जेस, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर मैं कोर्ट में गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे 1 मिलियन के डेट्स हैं, ठीक है, 1 मिलियन के डेट्स हैं, इसको रिकवर करने के लिए मैं गया कोर्ट में, तो भाई मैं लीगल चार्जेस बेयर करूंगा नहीं करूंगा, मैं खुद तो नहीं जा सकता, लॉयर हायर करूंगा। तो उसने कहा एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी, क्या ये अमाउंट मेरी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो उसने कहा जो भी चार्जेस मैं लीगल चार्जेस बेयर करूंगा इन ऑर्डर टू डिफेंड दिस अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट क्या हो जाएगी, ये मुझे जो है वो आप लीगल चार्जेस से मैं क्लेम कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि ये उस प्रॉपर्टी से पर्टेन करती हूँ जो मैंने रेंट पे दी हुई है। लेकिन उसने यहाँ एक एक्सक्लूजन भी डाल दी, उसने कहा भाई रेंटल अग्रीमेंट बनाने का चार्जेस भी जाहिर है, मैं और आप अगर सॉरी ओनर और टेनेंट के रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमने कहा भाई उस केस के अंदर रेंट अग्रीमेंट करेंगे, मुझे भी नहीं आता बनाने, आपको भी नहीं आता, हम लॉयर को हायर करेंगे, तो क्या ये रेंट अग्रीमेंट के चार्जेस अलाउ होंगे यहाँ से। उसने कहा नहीं, ये अलाउ नहीं होंगे। Point to be noted, as only legal charges related to defending of title or any other suit related to property is allowed, therefore rent agreement charges shall not be allowed. अब बड़ी important बात सुनेंगे, अगर rent agreement charges यहाँ से allowed नहीं है तो मैं इसे कहीं और से claim कर सकता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ से claim कर लें, ठीक है, यहाँ claim होता तो 100% कर लेता, लेकिन यहाँ उसने restriction लगा दी, कितनी, 4% of chargeable rent की। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक?
चले भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक क्वेश्चन कि भाई ऑर्डिनेंस हम बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं भाई, कोई इशू ही नहीं है इसमें आपकी, मतलब कोई इसमें इशू ही नहीं है। हम ये वर्डिंग्स भी ऑर्डिनेंस के, सिर्फ ये हुआ ही है कि इसको हमने नोट्स की फॉर्म दे दी है बस, ठीक है, और साथ में पॉइंट्स तो भी नोटेड डाल दिए हैं जिसमें आपको थोड़ी सी शायद हेल्प हो जाए, ठीक है। एनी वेज इररिकवरेबल रेंट, अच्छा भाई इररिकवरेबल रेंट क्या है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बैड डेट्स की बात कर रहा है ना, लेकिन बैड डेट्स के प्रोविजन की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, राइट ऑफ की बात कर रहा है। सारे अकाउंटेंट हैं, ठीक है, टैक्स का लास्ट पेपर मोस्ट लाइकली आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आखिरी कुछ पेपर्स बाकी हैं उस पे से, टैक्स का पेपर भी बाकी है, ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, ठीक है। इररिकवरेबल रेंट क्या है, उसने कहा कि भाई सुनेंगे, इररिकवरेबल का मतलब क्या है, इररिकवरेबल का मतलब ये नहीं है कि मेरी इनकम खत्म हो गई, इररिकवरेबल का मतलब यह है इनकम थी लेकिन रिसीव नहीं हो सकी, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट अक्रूवल का है, आपने अक्रूवल के कॉन्सेप्ट की वजह से मेरी इनकम का पार्ट बना दिया, मैंने उसे जो है वो अपनी सेल्स में लेके चला गया, ठीक है, लेकिन बाद में वो रिसीव नहीं हुई। तो टैक्स का मसला क्या है, टैक्स का मसला तो ये है ना कि भाई अगर आपने इनकम बना दिया तो उस पर टैक्स दे दिया मैंने, अब जब एक चीज रिसीव ही नहीं हो रही तो मुझे आप उसका एक्सपेंस अलाउ करो फिर, ठीक है। तो उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्रोविजनिंग कर रहा हूँ तो प्रोविजनिंग की बात नहीं हो रही, ये जो अकाउंटिंग प्रोविजनिंग करते हैं आपके भाई इतने परसेंट से प्रोविजनिंग करते हैं, उसने कहा इसकी बात नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ राइट ऑफ करें, जहाँ बुक्स ही निकाल दें, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इररिकवरेबल रेंट सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशन, उसने कहा भाई मैं इररिकवरेबल रेंट की डिडक्शन जरूर दूंगा लेकिन ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। वो कंडीशंस क्या है, उसने कहा भाई वो कंडीशन ये है कि दी टेनेंसी वॉज बोनाफाइड, गुड फेथ में आपने अग्रीमेंट किया था, ठीक है, सारी की सारी कंडीशन पूरी होनी, ऑल लिखा है यहाँ। नंबर टू, अच्छा मैं जो यहाँ अंडरलाइन कर रहा होता हूँ ना, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लॉ के अंदर भी कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें, ठीक है, क्योंकि देखें ये वर्डिंग्स लॉ की हैं, अगर मैं कोई चीज हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए करता हूँ ताकि आपको भी कन्वीनियंट हो, आप भी इसे अपने लॉ के अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर मार्क कर सके। अच्छा भाई द टेनेंसी वॉज बोनाफाइड नंबर वन, नंबर टू द डिफॉल्ट द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी। क्या मतलब कि भाई एक तरफ कह रहे हो कि आपको रेंट रिसीव नहीं हो रहा, दूसरी तरफ आपका जो टेनेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी में बैठा हुआ भी आपकी, ठीक है, वो तो बैठा हुआ, वो खाली नहीं की उसने प्रॉपर्टी, ना सिर्फ एक प्रॉपर्टी बल्कि उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी है आपकी, वो भी खाली नहीं करवाई आपने। तो उसने कहा पहले प्रॉपर्टी तो खाली करवाओ, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी वेकेट करवाओ, उसने कहा सेम प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी विच ही हैज, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट द लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट और हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, ठीक है, या तो आप जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो आप इनिशिएट कर दो, ठीक है, इंस्टीट्यूट कर दो आप, ठीक है, अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं कर रहे, लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं जाना चाह रहे, तो फिर बताओ कि क्यों आप केस नहीं करना चाह रहे, ठीक है, क्यों, क्यों, क्या ऐसा रीजन है कि आप कहते हो कि नहीं भाई केस करने की जरूरत नहीं है हमें। तो दोनों कंडीशंस के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई दोनों बातें हो गई ना, कि एक तरफ वो कह रहा है कि भाई आपने जो है वो या तो रीजनेबल या तो केस कर रहा हूँ, ठीक है, अगर एक बंदा अगर पैसे नहीं दे रहा तो कोर्ट ले जाओ उसे, ठीक है, अच्छा भाई कोर्ट क्यों नहीं लेके जा रहे, या तो रीजंस बताओ, और फिर फाइनली वो कहता है दैट अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स एंड टैक्स हैज बीन ड्यूली पेड ऑन सच इनकम। भाई राइट ऑफ अगर मिलेगा, बहुत बहुत गौर से सुनेंगे, अगर आप कह रहे हैं कि मैं राइट ऑफ लेना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं डिडक्शन लेना चाहता हूँ। अच्छा भाई डिडक्शन का मतलब टैक्स में क्या होता है, कि वो अमाउंट आपकी जो है वो जितनी मतलब टैक्स सेव करवाएगी, अगर आप एक्सपेंस लोगे तो उतनी अमाउंट से टैक्स सेव हो जाएगा, मतलब जो भी टैक्स रेट लगेगा उसके ऊपर। अब वो कह रहा है कि भाई आप एक्सपेंस लेना चाहते हो लेकिन इससे पहले आपने कभी इस पर टैक्स तो नहीं दिया, ठीक है, तो फिर राइट ऑफ की डिडक्शन तो नहीं दूंगा मैं आपको, यानी एक्सपेंस तो मैं उसी चीज का दूंगा ना जो पहले इनकम में आपने टैक्स करवाया हो। अगर इनकम में टैक्स ही नहीं करवाया, एक प्रॉपर्टी जिस पे आपने पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेके ही नहीं गए, रेंट रिसीव कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं मुझे रिसीव नहीं हो रहा, मुझे डिडक्शन देते, क्या दूंगा। उसने कहा नहीं, डिडक्शन नहीं मिलेगी इस केस के अंदर, क्यों, क्योंकि आपने इसे प्रीवियसली टैक्स नहीं दिया इसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद वेयर, यानी चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, ऑल के साथ कंडीशंस गिवन है, ठीक है। फिर वेर एनी अनपेड इररिकवरेबल रेंट अलाउड एज डिडक्शन इज होली और पार्टली रिकवर्ड, द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, तो वही बात है कि अगर आप राइट ऑफ कर दें और सब्सिक्वेंटली रिसीव हो जाए तो अदर इनकम में लेकर चले जाते हो। यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि अगर आपने उस पहले आपने क्या किया, इनकम का पार्ट बनाया, टैक्स दिया, बाद में क्या किया, ये चारों कंडीशन पूरी हो गई तो उसे इररिकवरेबल रेंट की डिडक्शन ले ली। जब इररिकवरेबल की रेंट की डिडक्शन ले ली, एक साल के बाद क्या हुआ,
वहां से आपको पूरा या कुछ अमाउंट रिकवरेबल लैंड का रिसीव हो गया, तो क्या करूंगा, फिर से टैक्स कर दूंगा उसे। ठीक है, ठीक है, समझ साथ है ना, ये तो बड़ी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट है जिसे इसने सिर्फ कंडीशंस के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद अच्छा एक इंटरेस्टिंग और टॉपिक इसी से रिलेटेड, ठीक है, सेक्शन 15A का, अदर रिलेटेड रूल्स फॉर डिडक्शंस अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने कहा भाई एड बैक ऑफ अनपेड लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2021 के अंदर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट करता हूँ और इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट करता हूँ, ठीक है, यानी मैंने क्या ले लिया, मैंने पेबल की बेसिस पे डिडक्शन क्लेम कर ली। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स मैंने 100 रुपए की एक्सपेंस ले लिया यहाँ पे, यही किया मैंने। अब वो कहता है कि भाई अगर आपने 100 रुपए का एक्सपेंस लिया है तो आपको पे करने का टाइम है 3 साल, 22, 23, 24, यानी 3 tax years आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर इन विच डिडक्शन वॉज ऑरिजिनली टेकन। ठीक है, लेकिन अगर आप फेलियर हो जाता है, यहाँ तक आप पे नहीं कर सकते, ठीक है, अगर ये अनपेड रहती है यहाँ पे, तो फिर 2025 के अंदर क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ क्या किया, यहाँ डिडक्शन क्लेम हुई और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे डिडक्शन रिवर्स हुई। ठीक है, 2026 के अंदर मैंने पे कर दिया, तो उसने कहा अब अगर आपको डिडक्शन मिलेगी तो किस बेसिस पे मिलेगी, पेड बेसिस पे मिलेगी, जब आप अमाउंट पे कर दोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इफ अ पर्सन हैज बीन अलाउड डिडक्शन ऑन पेबल बेसिस देन सेम शैल बी पेड विद इन 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स। इफ द सेम इज नॉट पेड विद इन द पीरियड देन द डिडक्शन शैल बी रिवर्स आफ्टर द एंड ऑफ 3 tax years 3 years टाइम एंड मेड पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 tax years। If after reversal subsequently it has been paid, it shall be allowed as deduction on paid basis. पहले accrual basis पे क्या था, अब cash basis के ऊपर आपको deduction मिल रही है in the tax year in which payment is made. ठीक है, I hope ये सब मेरे साथ है यहाँ से। आगे बढ़ जाए भाई, सब साथ हैं यहाँ तक। चले जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास है अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन डिडक्शन, दी एक्सपेंसेस विच आर कॉमन शैल बी अपोर्शन। ठीक है, सुनते रहेंगे सब। हमने कहा भाई पहली बात, इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड टू अन इनकम्स अंडर टू डिफरेंट हेड्स देन इट शैल बी अपोर्शन बिटवीन टू हेड्स। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉई हायर टू रिकवर डेट्स ऑफ बिजनेस एंड रेंट देन इट शैल बी अपोर्शन बिटवीन दी बोथ दी हेड्स। ठीक है, ऐसा ही हो गया ना,
कि अगर मैंने एक से ज्यादा टू डिफरेंट हेड्स के लिए अगर एक बंदे को हायर किया हुआ है तो उसकी सैलरी सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से माइनस तो नहीं होगी ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस से भी अपोर्शन होनी चाहिए. इफ द प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन रेंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर रादर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर देन द एक्सपेंस शैल बी अपोर्शन ओवर द टाइम इट इज रेंटेड आउट. ठीक है, ये भी हमें पता है कि भाई अगर मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ही मैंने जो है वो 6 महीने बाद देना स्टार्ट किया साल के शुरू से टैक्स ईयर के स्टार्ट से, तो फिर मैं डिडक्शन पूरी क्लेम कैसे कर सकता हूँ? डिडक्शन भी अपोर्शन होगी. कैसे अपोर्शन होगी? जितनी जिस पीरियड की इनकम लूंगा उसी पीरियड का मैं एक्सपेंस भी अलाउ होगा मुझे. इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर इंस्टेंस एज रेंटेड एंड फॉर पर्सनल यूज देन द कॉमन एक्सपेंस शैल बी अपोर्शन. एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी टैक्स पेड फॉर होल प्रॉपर्टी देन इट शैल बी अपोर्शन एंड अलाउड प्रोपोर्शनेटली अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. ठीक है, आई होप ये सब मेरे साथ हैं. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्रॉपर्टी है, एक बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहला फ्लोर मैं खुद रहता हूँ, दूसरे फ्लोर पर मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, सॉरी दूसरे फ्लोर को मैंने रेंट आउट किया हुआ है. ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी टैक्स तो मैंने पूरी प्रॉपर्टी का पे किया, लेकिन मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कितना अलाउ होगा? क्या पूरी प्रॉपर्टी का अलाउ होगा? नहीं, सिर्फ उस एक्सटेंट तक अलाउ होगा जिस एक्सटेंट तक मैंने क्या किया, इसे जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को मैंने जो पर्टेन करता है ऑफिस से या मेरी जो मैंने रेंट किया उससे पर्टेन, यानी जिस जगह को मैंने रेंट आउट किया उससे पर्टेन करता है. ठीक है, अच्छा, फिर डबल डिडक्शन इज नॉट अलाउड. जैसे डबल टैक्सेशन नहीं होती वैसे डबल डिडक्शन नहीं होती. डिडक्शन अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी द सेम शैल नॉट बी डिडक्शन अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी द सेम शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन कंप्यूटिंग द अदर इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक हेड के अंदर आपने एक डिडक्शन क्लेम कर ली तो फिर सेम डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम. ठीक है, आई होप कि सब मेरे साथ यहाँ तक. इसके बाद वो कहता है डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 21. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 शैल अप्लाई इन डिटरमिनिंग द डिडक्शंस अलाउड टू पर्संस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. ठीक है, यानी द प्रोविजन सेक्शन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको वहां पे कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है तो सेक्शन 21 की डिडक्शंस अगर कोई अलाउड नहीं है तो वो यहाँ पे भी अलाउड नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, वहां पे कहता है इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहता है मेरे पास भी नहीं मिलेगी. वहां पे वो कहता है पेनल्टी अगर आप पे चार्ज हुई है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहता है मेरे पास भी नहीं मिलेगी. यानी वो डिडक्शन जो सेक्शन 21 ने डिसअलाउ की हुई है वही सारी डिडक्शन जो है वो यहाँ पर भी डिसअलाउड होंगी. ठीक है, फिर अच्छा, इसके बाद ऑल्दो मैंने लॉसेस के रूल्स यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन मैं लॉसेस को डिस्कस लॉसेस के साथ ही करूंगा. मैं सिर्फ अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए एक दफा पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लॉसेस एक जो है वो कनेक्शन रखते हैं. ठीक है, हर लॉस दूसरे लॉस के साथ कनेक्शन रखता है, तो शायद अभी हमें इतनी क्लैरिटी ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे लॉसेस के अंदर ही. Pakistan source loss under the income from property shall be allowed to be claimed from any head of income except salary of Pakistan source in the same tax year. It shall not be allowed to be carried forward. It shall also be allowed to claim against any foreign source. ठीक है, मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं करते क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी. समझने से ज्यादा हम इसे लॉसेस के साथ ही डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें रिलेशंस हैं एक हेड के दूसरे हेड के साथ. अभी हमने सारे हेड्स पढ़े ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए शायद इस पर हमें कन्फ्यूजन रहे, तो इंशाल्लाह हम जो है वो इसको जब लॉसेस पढ़ेंगे तो मैं इसको इस पोर्शन को वहाँ पे लॉसेस के साथ कवर कर लूंगा. वंस हम वो पढ़ लेते हैं तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा कि भाई हर हेड के साथ आपको लॉसेस भी क्लियर हो जाएंगे इसके. एनीवेज, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स. ठीक है, इस पे सेक्शन 66 भी मैंने. अच्छा भाई, यहाँ तक सब साथ हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जल्दी से बता दो तो हम आगे बढ़ जाएंगे. चले जी, इसके बाद इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स. ठीक है, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट एंड अनसर्टेनेबल.
the person shall not be assessed as an association of person in respect of that property, and the share of each person in the income from property for a tax year shall be taken into account in the computation of person's taxable income for that tax year. This section shall not apply in computing income chargeable under the head income from business. ठीक है, अब ये क्या है, क्या लिखा है इसके अंदर, ये पॉइंट भी नोटेड में क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं. इफ AOP owns a property that it has rented out, then it will be taxable in the hands of AOP under income from property. क्या कह रहा है कि भाई अगर एक प्रॉपर्टी है कि जो प्रॉपर्टी ओन कौन करता है, एबी. एबी क्या है, एबी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. ये क्या करती है, ये जो है वो ओन करती है, क्या चीज ओन करती है, प्रॉपर्टी ओन करती है. ठीक है, तो हमने कहा भाई इस प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप है, ठीक है, एबी क्या है, एओपी है, ओन क्या करती है, प्रॉपर्टी करती है. अच्छा भाई इस पे इसने क्या किया, इसे रेंट आउट किया. जब रेंट आउट किया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव हुई. जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव हुई तो हमने कहा कि भाई ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहाँ पे टैक्स होगी. ठीक है, हमने कहा ये टैक्स किसके हैंड्स में होगी, क्या ए और बी के रेस्पेक्टिव शेयर्स में होगी. हमने कहा नहीं, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसकी होगी, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी एओपी की. ठीक है, एओपी इस पे टैक्स देगी. ठीक है, ये कहना चाह रहा है. जबकि अगर एक प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की और बी की मिला के, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जॉइंटली एक प्रॉपर्टी ओन की. ठीक है, कितना शेयर है, हमने कहा डेफिनेट और असर्टेनेबल शेयर है, इसका 60% है, इसका 40% है. अच्छा भाई इस प्रॉपर्टी को क्या किया, रेंट आउट किया. अच्छा, रेंट आउट करने से क्या जनरेट की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट की. तो हमने कहा भाई इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को किस तरह से टैक्स करूंगा, क्या ए और बी इस वजह से कि वो प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करते हैं, क्या वो जॉइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी बन जाए, मतलब क्या एओपी बन जाएंगे. हमने कहा नहीं, इनका रिस्पेक्टिव इनकम क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी. जितनी भी इनकम जनरेट हुई, ये 60% पे टैक्स ये देगा, 40% पे टैक्स ये देगा. सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, जल्दी से बता दें तो मैं आगे बढ़ जाऊँ. अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल इनकम की अगर हम बात करें. ठीक है, अगेन यहाँ पे ये सेक्शन 41 जो है वो हम एग्जेम्पशंस के साथ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट करता था तो मैंने यहाँ पे से मेंशन कर दिया. ठीक है, लिख भी दिया मैंने कवर्ड इन डिटेल विद द टॉपिक एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन, जस्ट एन एक्सट्रैक्ट इज गिवन हियर. अच्छा भाई क्या कहना चाह रहा है एग्जेम्पशन ऑफ, क्योंकि रेंटल इनकम की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव बाय पर्सन फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस. एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव बाय पर्सन फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिल्डिंग प्रोवाइडेड दैट एग्री, यानी कहना ये चाह रहा है, ऑल्दो हम इसे एग्रीकल्चरल इनकम के सेक्शन 41 में मतलब एग्जेम्पशन और टैक्स कंसेशन के साथ हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं ब्रीफली अगर आपको बता दूँ तो कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भाई कोई भी अगर आप जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते हैं पाकिस्तान में या एग्रीकल्चरल बिल्डिंग ओन करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और उससे जो भी इनकम आप ड्राइव करेंगे वो क्या कहलाएगी, वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी. ठीक है, रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम है,
लेकिन उसने कहा कि उस इनकम को मैं टैक्स नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रेंटल इनकम रिसीव हो यहाँ से तो इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऊपर आपने पढ़ा था ना, कहा था कि एग्जेम्प्ट रेंट जो है वो हमारे पास नहीं आता, तो भाई एग्जेम्प्ट रेंट कहाँ जाता है? फिर एग्जेम्प्ट रेंट रेंट जाएगा अदर सॉरी एग्जेम्प्ट इनकम के साथ, ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब हम कंक्लूड करने लगे हैं, सब सुनेंगे, ठीक है। अब फाइनल अगर आप सब मेरे साथ हैं यहां तक, तो मैं फिर विदहोल्डिंग टैक्स की इम्प्लीकेशंस भी आपके साथ डिस्कस कर लूं। चले जी, अच्छा। अब वो कहता है कि भाई सुनेंगे, अब वो कहता है कि फॉलोइंग पर्संस प्रिस्क्राइब पर्संस मेकिंग, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा सुन लें यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमने सेक्शन 149 का जो विदहोल्डिंग प्रोविजन था वो हमने सैली के साथ पढ़ लिया, अब इसका जो विदहोल्डिंग इम्प्लीकेशन है वो हम इसके साथ पढ़ रहे हैं। सेक्शन 155 क्या कहता है? फॉलोइंग प्रिस्क्राइब पर्संस मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और इन पार्ट इंक्लूडिंग द पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस आर लायबल टू विदहोल्ड टैक्स ऑन इट, ठीक है। क्या मतलब कि भाई ये है फॉर एग्जाम्पल रेसिपियंट, ये है पेयर, विदहोल्डिंग की इम्प्लीकेशंस कब आती हैं कि जब पेयर एक अमाउंट रेसिपियंट को दे और अगर ये पेयर कौन है? प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है। प्रिस्क्राइब पर्सन कौन होता है? हमने कहा ये लिस्ट आएगी अभी यहाँ पे, देख लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो उसने कहा ये पेयर रेसिपियंट को, ठीक है, किस चीज की अमाउंट दे रहा है? रेंट की अमाउंट दे रहा है यहाँ पे। तो उसने कहा चाहे आप पूरा रेंट एक साथ दे दें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके दें, चाहे आप रेंट एडवांस में दें, कोई भी फॉर्म हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर साहब, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि जब अगर आप बीइंग प्रिस्क्राइब पर्सन पेमेंट कर रहे हो तो इस पेमेंट में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 100 रुपीज की पेमेंट कर रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स बनता है लेट से 10%, ठीक है। तो हमने कहा भाई आप 10 रुपीज का टैक्स क्या करोगे? विदहोल्ड करोगे। विदहोल्ड करने के बाद क्या करोगे? FDR को दे दोगे, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्दो ये टैक्स है किसका? ये है रेसिपिएंट का टैक्स। अच्छा भाई ये क्या करेगा? ये साल के आखिर पे, अभी हमने पढ़ लिया है सारा कि भाई टैक्स लायबिलिटी जो भी इसकी आएगी उसमें से ये क्या कर देगा, जितना इसका टैक्स विदहोल्ड हुआ वो क्या कर देगा? माइनस कर देगा ना, और डिफरेंशियल इसका पेबल या रिफंडेबल की पोजिशन क्रिएट कर देगा। तो उसने कहा फॉलोइंग प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और इन पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस आर लायबल टू विदहोल्ड टैक्स ऑन इट। नंबर वन, gross rent under income from property including non-adjustable deposit to any person on account of rent of property chargeable for recipient, ठीक है। यानी ये हम पढ़ चुके, हमने कहा भाई किसी भी तरह का ग्रॉस रेंट अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तो वो क्या होगा? आप पे करते वक्त पेयर साहब अगर आप प्रिस्क्राइब पर्सन है तो इसमें से विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर लें। नंबर टू सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसने कहा कि भाई अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है, क्या रेंट पे दिया हुआ है? रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स एंड अमाउंट फॉर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज याद है ना, एमिनिटीज और यूटिलिटीज वगैरह दी हुई है। तो उसने कहा भाई अगर आप इसकी भी अमाउंट अगर पे करें, चाहे अगर आपने, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नहीं है, ये इनकम फ्रॉम, पहला जो पॉइंट था वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का था, दूसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, ठीक है। दोनों के लिए विदहोल्डिंग का सेक्शन एक ही है, वो कौन सा है? वो सेक्शन 155 है। यानी आप ये ना समझे कि ऊपर हमने सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही विदहोल्डिंग टैक्स सेक्शन ये वाला है, नहीं। उसने कहा भाई अगर आप रेंट पे देते हो फर्नीचर और फिक्स्चर्स, अगर आप रेंट पे जिस तरह से बिल्डिंग देते हो उसके साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, यूटिलिटीज एमिनिटीज फैसिलिटीज जो आप देते हो, तो उसने कहा फिर उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर आपका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है, दोनों केसेस में अगर पेयर चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई अमाउंट पे कर रहा हो या ये वाले जो रेंट्स लिखे हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले वो रेंट्स पे कर रहा हो रेसिपिएंट को, तो अगर वो प्रिस्क्राइब पर्सन है तो पेमेंट करने से पहले उसमें से टैक्स ले ले। अच्छा भाई प्रिस्क्राइब पर्सन कौन हुआ? उसने कहा भाई
फिर यानी रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल कौन है, फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर आप लोकल गवर्नमेंट है, अगर आप एक कंपनी है, ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जो विदहोल्डिंग करेंगे। अगर आप कोई इंडिविजुअल या एओपी है जो पे कर रहा है ग्रॉस रेंट कितना 1.5 मिलियन या उससे ज्यादा इन अ टैक्स ईयर, उसने कहा वो भी करेगा। अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अगर रेंट पे कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। अगर आप डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ फॉरेन स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई आप लेट से कोई एम्बेसी वगैरह है, ठीक है, अगर आप कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बुटीक है, आप ब्यूटी पार्लर है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है और मेटर्निटी होम है, ठीक है, इनमें से कोई भी है, तब भी अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेंगे, ठीक है, या एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द एफबीआर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। एनीवेज हमने कहा भाई ये लोग क्या करते हैं, ये प्रिस्क्राइब पर्सन है सारे के सारे, ये है प्रिस्क्राइब्ड। अगर ये लोग पेमेंट करें तो पेमेंट करने से पहले क्या कर लें, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लें, ठीक है, टैक्स को कहाँ डिपॉजिट करवा दें, एफबीआर के पास डिपॉजिट करवा दें। अब वो कह रहा है कि भाई किस रेट पे टैक्स डिडक्ट करें, सुनेंगे, द पेमेंट्स टू इंडिविजुअल एंड एओपी शैल बी डन आफ्टर विदहोल्डिंग द टैक्स एट द रिड्यूस रेट, ठीक है, ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एज गिवन अबव, व्हाइल द पेमेंट टू इनकम पेमेंट टू कंपनी शैल बी डन बाय विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, सुने, ये रेसिपिएंट है, ये पेयर है, फिर सुने, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये कहां फॉल कर रहा हो, प्रिस्क्राइब पर्सन के अंदर, ये क्या होना चाहिए, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो रेंट्स गिवन है वो हो सकता है। रेसिपिएंट कौन हो सकता है, उसने कहा इंडिविजुअल हो सकता है, एओपी हो सकती है, कंपनी हो सकती है। तो उसने कहा अगर कंपनी है तो इसका विदहोल्ड होगा 15% पे, और अगर ये है तो इनका विदहोल्ड होगा रिड्यूस रेट के ऊपर, ठीक है, ये उसकी पूरी समझी है। आई होप कि सब मेरे साथ यहाँ तक हैं, अगर सब साथ हैं तो जल्दी से बता दें, अगर कोई क्वेरी है तो जल्दी से कर लें, अदरवाइज आगे बढ़ें। जी आगे बढ़े हम सब साथ हैं यहाँ तक, तो आगे बढ़ जाएं, बासी साहब साथ हैं, क्लियर है सारी चीजें आपको, ठीक है, यही सारी चीजें अगर आप कैफ में पढ़ रहे होते थे तो 4-5 क्लासेस लग जाती थी, ठीक है, हमने जो है वो इसे 1.5 आवर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली या 2 आवर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कवर कर लिया। तो ये फाइनल और कैफ का डिफरेंस भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो आप वहीं रोकें और वहीं पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें आप जो है वो पोर्टल पे मैं शेयर करूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये है कि ये तारिक साहब ने अपनी मैनुअल शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इसको मैं प्रिंट आउट कब होंगे ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सुमन।
एनीवेज यहां तक सब साथ हैं तो हम आगे बढ़ जाए, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने कैपिटल गेन्स स्टार्ट करना है, तो ऑफ कर दें या कंटिन्यू। थक गए। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं कि हमारे पास देखिए, हमने कैपिटल गेन्स का अगला हमारा जो टॉपिक है ना, वो कैपिटल गेन्स का हमारा टारगेट है। ठीक है, ऑब्वियसली हम इस कैपिटल गेन्स को, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर भले हम जो है वो ऑफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक हेड तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिया। देखिए कोशिश करें, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पास अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है, बेयर एक्ट, ठीक है, वो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्दो हमने बेयर एक्ट ही पढ़ा है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो सेक्शंस जो अभी हमने पढ़े हैं वो आप खुद से भी पढ़ लें अलग से, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सिर्फ गूगल पे जाके लिख दें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अपडेटेड करके लिखेंगे तो वो आपको FBR के लिंक पे ले जाएगा, और जो लेटेस्ट अपडेटेड हो वो खोलें और वहाँ से ये सेक्शंस ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। इससे एटलीस्ट ये होगा कि आपको, आप एट पार आ जाएंगे कि हाँ यार मुझे ऑर्डिनेंस से समझ आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा कैपिटल गेन्स की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल गेन्स को देखो हम दो टॉपिक्स में, दो हैंडआउट्स में डिवाइड करूंगा मैं इसे, ठीक है। एक हैंडआउट वो है कि जो कैपिटल गेन्स एक है जो आपका बेसिक बातें होंगी ना, और एक होंगी जिसमें आपकी जो NCCPL वाली बातें होंगी, विदहोल्डिंग वाली बातें होंगी, ठीक है, ये हम करेंगे बाद में लेटर, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है कि हम ये वाला जो डिस्कशन है ना, जिससे जो मेन कैपिटल गेन्स है, विदहोल्डिंग की क्या इम्प्लीकेशन है कि भाई फ्यूचर फॉरवर्ड ये सारी, ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है, हम ये रेलेवेंट है, लेकिन असल जो कैपिटल गेन्स है उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बाद में, ठीक है, इसको सेकेंड पोर्शन के अंदर, सेकेंड पार्ट के अंदर हम सब्सिक्वेंटली जो है वो डिस्कस आपके साथ कर रहे होंगे। चलें तो फिर हम एक काम ये करते हैं कि आप मुझे बताएं, ऑर्डिनेंस है सबके पास? सबके पास ऑर्डिनेंस है, वरना मैं फिर आपको, अगर मैं लिंक, अगर नहीं आप गूगल करें अभी मिल जाएगा आपको लिंक, वरना, और नहीं मिलता तो मुझे बताएं, मैं शेयर कर देता हूँ फिर आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये जो सेक्शन हमने पढ़े, कम से कम ये तो पढ़ लें, आगे ना पढ़ें लेकिन कम से कम ये जो आज की क्लास में हमने पढ़े ये सेक्शन तो वहाँ से पढ़ लें, ठीक है। एनीवेज हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर फिर क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो है वो एक टॉपिक हमने वैसे ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, ठीक है, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में यहीं से जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा ये सवाल आया बासी भाई का कि ओपन बुक एग्जाम्स के लिए मार्केट में 2-3 राइटर्स की डायरेक्ट बुक अवेलेबल हैं, हम कौन सी परचेज करें, एनी एडवाइस? यार अच्छा मुझे बताएं, आप सबकी अटेम्प्ट ये अभी वाली है ना, June 21 वाली है ना, या आप में से कोई ऐसा भी है स्मार्ट के जो बहुत पहले से क्लासेस लेके बैठेगा? यार एक बैरेक्ट जो है वो तो हम भी इशू करने वाले हैं, लेकिन वो अभी शायद पाइपलाइन के अंदर है, ठीक है, तो ऐसे सलाम वाला जो है ना वो काफी एक रिलायबल है और वो शायद रेकमेंडेड के अंदर भी फॉल करता है मेरा ख्याल है, ठीक है। वैसे तो आई के आपने रेकमेंड इस तरह से आपने किया है, जनरल बात कर दी है उस पर, इसलिए आप जो है वो ऐसे सलाम वाला ले सकते हैं, ठीक है, उनसे ये मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो या KP साहब का मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकूँगा, ठीक है। मैंने, मेरे पास तारिक नजीब चौधरी, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्डिनेंसेज मेरी लाइब्रेरी में रखे हुए, लेकिन जो है वो जो आपके लिए अच्छा रहेगा वो मुझे लगता है पर्सनली कि ऐसे सलाम, इसलिए क्योंकि उसमें अच्छे फुटनोट्स वगैरह सब दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसका फाइनल आपको जो है ना, एक दफ़ा मुझे ICAP की पॉलिसी भी इस पर जो है वो रिविजिट करने दें,
आईकैप का इस पे क्या टेक है, ठीक है, और उसके बाद हमारी बुक कब तक आ रही है, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ों को मैं आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर देता हूँ। सब साथ हैं यहाँ तक? हाँ, तो अभी अभी बुक की क्या जरूरत है, आप अभी बुक, भाई बुक की टेंशन क्या है, बुक में ऑर्डिनेंस ही है ना, ऑर्डिनेंस का लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, वो लिंक आप डाउनलोड करें, वहाँ से ये सेक्शंस पढ़ लें, ठीक है, इट इज़ एज गुड एज ऑर्डिनेंस, ठीक है, एक बैरक है ना वो भी, एग्जाम्स के लिए देख लेंगे हम बाद में। चलें, तो यहाँ पे हम जो है वो क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।